आदर्श परम करुणामय परम बारंबार से ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप जीवन स्वरूप से रक्त मांस संकुल नर नारायण रूपे आविर्भूत होंती कौन पाई जे से तांकर सृजन धारा को उन्नत प्रगतिपन्न करी तोलिया को एवं से हमर परमा प्रकृति को सहाय्य रे से सृजन प्रगति को उन्नत करी तोलंती से परमाराध्या जगत जननी को मोर प्रणाम मंत्र मु जनाऊ प्रणमामि लक्ष्मी माता षोडशी रूप धारिणी अनुकूल शक्ति रूपा विश्वानंद विधायिनी ऋषि सस्पूजिता देवी पुरुषोत्तम संगिनी जगत कल्याणमयी महालक्ष्मी नमस्तुते महालक्ष्मी नमस्तुते महालक्ष्मी नमस्तुते। वर्तमान यही माँ को उद्देश्य जो मातृवंदना बोला जाए सही मातृवंदना बोलियापाई मुझे उपस्थित अच्छा हमर सबिता माँ सबिता जेना को अनुरोध करुच्ची माँ सबिता जेना से मातृवंदना बोलिए समस्त मा प्रणाम जय गिर जय गिर ओ दुआसन दान भर रखे मायर पाए कृषि शिल्प बहुनु माए तारी जंत्र उड़न मायर एक ही तंत्र आसन दान भरा खे आर जा करी मा के मूर हस्त नेत्र मायर स्नेह लदिका मायर माथाय मुकुट झलसे इष्ट सार्थ दीपन मंत्र आसन धन भरा के अगणित सुत जड़ी मटुटिया लैलाटे लोषित अमर इंदु खीर फरा पीन आयुत धरे छोरी छे जीवन ओमिय सिंधु तीर बोधन माल कंठे नाकेर बेसारूप निषाद स्मृतिर चुमुकी झकमके वोई चलने चमके ओम तत्सत चारी बरने झलके केस आमार मायर ए मुनि बेस ऐ तो दे स्वस्ति स्वस्ति उठे कलारा सामना दुलिया पुलिया धाय इष्ट अनत विप्लवी प्राण पितृ बदली नती जनाय बहुत आसन धन भोराके मायर पाए किसी शिल्प बहुन माए तारी जंत्र ओढ़न मायर एक ही तंत्र बहुत आसन धन भोराके जय गुरु जय गुरु। सुंदर भाव मातृवंदना माँ सविता गान कले बर्तमान दीपान्विता पात्र से एक भजन परिवेशन करे माँ दीपान्विता। जय गुरु दीदी जय गुरु जय गुरु।
जय गुरु जय गुरु। तुम्हें अनुभव ठाकुर तुम्हें अनुभव ठाकुर तुम्हें अनुभव ठाकुर चिंता चेतना रे भक्ति भावना रे चिंता चेतना रे भक्ति भावना रे रही छे स्थिति तुम्हारा तुम्हें अनुभव ठाकुर तुम्हें अनुभव ठाकुर देखिबा को तुम शून्य ब्रह्म रूप जालिबा को हेब ज्ञान प्रदीप देखिबाकु तुम पूर्ण ब्रह्म रूप जालिबाकु हेब ज्ञान प्रदीप बाड़ी दे श्रद्धा विश्वास धूप साधिबाकु हेब हृदय रे तब प्रेम मंत्र रे आत्मा आरती प्रेम मंत्र रे आत्मा आरती रे पहाड़ हिटे तुम्हारा तुम्हें अनुभव ठाकुर तुम्हें अनुभव ठाकुर तुम दर्शन रे मिले महाशांति अमृत रुमीठा से अनुभूति तुम दर्शन मेरे महाशांति अमृत रुमीठा से अनुभूति मायार जालरु प्राणर प्रपति उड़ी जीवा पाए पाए अनुमति कर्म कौड़ी रे धर्म दौड़ी रे कर्म कौड़ी रे धर्म दौड़ी रे संसार करे अनुभव ठाकुर तुम्हें अनुभव ठाकुर चिंता चेतना रे भक्ति भावना रे चिंता चेतना रे स्थिति तुम्हारा तुम्हें अनुभव ठाकुर तुम्हें अनुभव ठाकुर जय गुरु दीदी जय गुरु सुंदर भावने परिवेशन जय गुरु जय गुरु जय गुरु।
सुंदर भाव भजन परिवेशन कले माँ दीपान्विता आ बर्तमान बालेश्वर अच्छा सुषमा महापात्र माँ से आमर ठाकुर नारी नीति ग्रंथ रु मातृमंगला ग्रंथ रु कि पढ़े आपको शुणे। जय गुरु प्रणाम समस्त को। भाव नारीर नीति भाव भाषा और कर्म। भाव भाषा को मुखर कर तोले पुणी भाव ही कर्म को नियंत्रित करे आउ भावनार ही भाव उदित हुए। अतएव तुम भावना को जिते सुंदर सुशृंखल सहज अविरोध और उन्नत धरणर कर तुम भाषा व्यवहार और कर्म कुशलता सुंदर अविरोध और उन्नत धरणर हेब। जय गुरु मातृमंगल। मातृमंगल सेवा करबा को हे मनर जणे माँ पचारे सेवा जत्न करबा सत्वे जदि कहार मन जीति न हुए सेठारे कौन करा जीवो। श्री श्री ठाकुर सेवार प्रधान जिनिष हला मनिषर मनटा को उत्फुल्ल ओ आनंदित करी तोलीबा ताहा जदि न करि पारिलो तेबे जानिबो सेवा करिबा होइनी। अनुसंधिष्ट नजर रे मनिषर प्रयोजन को बोध करि नै तार पूरण करबा को हुए। एथिरे मनिष खुशी हुए तांकर जीवनीय खुशीटा ही जेपरी तुमर काम्य हुए। कौनसी प्रकार स्वार्थ चाहिदा नै सेवा करबा को गले ताहा पूरण न हेले ही मनर क्षोभर संचार हेबो एवं सेवा भितरे मध्य तार अभिव्यक्ति देखा जीव से फल हेबो ओलटा निज पाई कौनसी चाहिबा रहिबनी एहा तो कठिन कथा। ठाकुर उत्तर दउचंती कठिन किछि नुहे तुमे पुअर भलटा को जेपरी निजर भल बोली मना कर एक रकमटा एहीपरी भल पाइले ही एही रकमटा आसे तेबे प्रीति प्रत्याशा बोली जिनिसटा रहिबो ही। तुमे तुम पु तुमको जदि भल न पाए जदि ताच्छल्य करे तेबे किंतु तुमे मनरे कष्ट हबो ता सत्वे भी तुमे किंतु तार मंगल ही चाह एवं जेउथिरे तार मंगल हुए ताहा ही कर। भल पाइबा जिनिसटा ही गोटे बेहिसाबी जिनिस काहाकु सतरे भल पाइ बसिले ताठारु आउ रेहाई नाही। काहाकु भल पाइले तार जेउथिरे भल हुए ताहा ही करबाकु इच्छा हुए आउ जेते ताहा करा जाए सेते ही भल पाइबार चेर बढ़ी जाए। किंतु तुमे जन को पाई जते ही करना कहीं की से जदि तुम पाई किछि न करे तेबे किंतु तुम प्रति तार भल पाइबा गजेइ बनी। प्रश्न आमे तो जानिछु काहाकु जदि भल पाइबे तेबे तार भल पाइबा मध्य मिले। श्री श्री ठाकुर ताहा सबबेले हुए ना जदि से इच्छा करी भल न पाए तेबे लक्ष्य भल पाइबा मध्य निष्फल हो जाय पारे। अवश्य एक बार जे निष्फल हुए ताहा नुए मनीष गोटे जगार बंधा अच्छी ताहा हला तार जीवन ए जीवन रो परिपोषण जेउठ पाए ताकु से दीर्घ काल अवज्ञा करी चली पारे ना तेणु शेष पर्यंत आकृष्ट हुए। किंतु स्वार्थ पाई आकृष्ट हेबा ओ भलो पाइबार टाण रे आकृष्ट हेबा ए दुई मध्य रे आकाश पाथल फरक अछि। तेबे भलो पाइबा पाओ बा न पाओ जे भलो पाई पारे से शेष पर्यंत लाभवान हुए। मु मनीष को भलो पाई कम दगा पाइनी जीवन रे किंतु तथापि मोर गोटे आत्मप्रसाद एहा अछि जे मो तरफ रु मु समस्तकर भलो रही बास करी चलछि। तेणु मनरे मोर कौनसी दुख नाही भलरे व्याप्त थिले जीवन भलरे ही काटे आउ सद्भाव भावित हेले ताहा संस्पर्शरे अन्यर अंतर्निहित सद्भाव मध्य पुष्ट होई उठे तेणु सबु दिगरु ही लाभ। आलोचना प्रसंग तृतीय खंड 285 पृष्ठा। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। सुंदर भाव जो नारी नीति ग्रंथ एवं मातृमंगल पाठ कर नारी आदर्श रही परोक्ष भाव प्रत्यक्ष भाव नहीं हम जे यहाँ से ही दिगक नारी चाहिए प्रथम कही झील मोर तुम सेवा सेवा विषय पाठ कर पी तुम नारी आदर्श तार भावना जी से आदर्श सहित युक्त रखे भावना रू भाव भाव रु तार भाषा भाषा से भाव तार कर्मटा भी नियंत्रित हे तेना सुंदर भाव में आज जो आलोचना माँ रखिले ठाकुर ग्रंथ रु सुंदर भाव से नारी आदर्श सपक्ष सर्वांगीन मंगल कामना बर्तमान कटक अच्छा दीपाड़ी माँ से एक आवृत्ति करे अपजपात बोधे देवा बोध समीक्षा
से विषय से आवृत्ति करिवे दीपाली मां दीपाली मां जय गुरु। हाँ दीदी जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु पुरुषोत्तम संख्या एई वर्षर ठाकुर बोध समीक्षा दादांकर लेखा डॉक्टर बुद्धदेव चक्रवर्ती ताल नवमी ताल काटा ताल नवमी एबार जनसनागम बंद ताई बोले कम कखनोई नय जीवने आनंद छंद आपादग्रस्त जीवन त्रस्त मारण बेधिर जन्न विधि बेत्ताए विधि बाम होलो कारण नय तो अन्न ताल नवमी तो जीवन धर्म आमादेर बोधे कोई उत्सव प्रिय आमरा सकाले उत्सव मुखित नई ताई अकाले झरे जत फूल असमय चिता जले प्राण पुड़े मरे असंजत कृत कर्मेर फले जत पारि तत मानुष धरिनी धरेछि कु अभ्यास मानव शरीरे बासा बांधे ताई भयानक भाईरास विधिके कखनो करोना हत्ता बाचाए चलो ताके विधि होलो सेई विधान जेसब आमाय छिछे समवेत भावे मेरेछि विधिके आमरा दीर्घ दिन ताई तो अदेखा भाईरास सब मृत्यु तो होय दिन एपारेर ताल नवमी ताई तो प्रकृतई उत्सव जीवन उत्सव उत्से उत्साही होए अमृत अनुभव प्रकृतिते किछु कम तो होयनि तेमनी भाद मास शरद आभासे शिउर एसेछे शिशिर भिजेछे घास भादर आकाशे कखनो गोड़ा जल ढेले चाय कखनो उद्र झलमल करे भेजा तादेर पाय गाय घोर घोर महामारी ग्रासित पृथ्वी प्रकृति अजच्छल भाद्र शुक्ला नवमी एसेछे ताई प्राण चंचल बर्षार सेत पिसी पृथ्वी सरसा सरसे उत्तरण पुरुषोत्तम श्री अनु श्री श्री अनुकूल पुण्य जन्मक्षर जीवनेर ज्योति प्रगति बार्ता बिलान सकल जने क्षुधित प्राणे अंध नयने नव ज्ञान अंजन वितरणे काल केटे जावा जीवन चलना नतुन छंदे बेधे नव व्याख्याय धर्म तत्व नव साधनाय सेधे भव समुद्र अनुकूल बेगे सम्मुखे शुदू थाय सावधान करे जीवने जत जटिल समस्याय इष्ट अहं परिवेश निये जीवन धारण तत्व व्याख्यात हलो प्राणजल परे धर्म पालन सत्य एका एका हेथा केउ बाचे ना कखनो बाचे परिवेश निये बेचे थाका एक महाज्ञान भालोबासे निये गिये धर्म कखनो कथा नय शुधु पुरोपुरी व्यवहार आचरण देखे बोधे आसे ता ना होले जीवने भार ए बोध चक्षु आचार्य कृपाते हय जे उन्मिलन पुरुषोत्तम अवतार छाड़ा केउ आचार्य नन केवलिए ताहाते निजब निष्ठाते केंद्रित करे चला अभिज्ञतार संचय दिए शुधु तार कथा बोला जजन जाजने इष्ट भृतिते मनने अनुधाने सस्तयनि सदाचारे ओ त्रुटिहीन परिपालने ताई पथे चला ए जीवन भर तारि प्रीति कामनाय सब साधनार निर्चास एई मन ना जेन भूले जाय एबारेर पुत ताल नवमी तिथि नीलाचल थेके दूर ताई मने हय केटेछे जीवने छंद ताल आर सुर হবে না প্রচুর স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি দর্শন স্বাভাবিক ভাবে এই কারণেই ভারাক্রান্ত মন মহামারী কেড়ে নিয়েছে এবার তীর্থযাত্রা সুখ সে কারণে কেন বিষাদে একলা বসে রব অধমুখ নামে নামে আর ধানে মানস নেত্রে হবে দর্শন তার তার কথা ভেবে পুলকিত হব প্রতিপলে বারবার এবছর পূর্ণ তিথির বিশেষ গুরুত্ব এই
ना होय एबार सतीर्थ मिले तीर्थ यात्रा नहीं बाद पड़े गेलो आनंद करे ठाकुर बाड़ीते जावा एबार होबे निज गृह कने ठाकुर के खुजे पावा निजे के होले ई प्रभुर चरणे पूर्ण समर्पण सार्थक होबे ताल नवमी व्रतेर उद्यापन। जय गुरु दीदी। जय गुरु। जय गुरु। खूब भालो होयेछे। खूब भालो। खूब सुंदर। भालो होयेछे। जय गुरु। जय गुरु। सुंदर भाव रे। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत बौदी। जय गुरु। हां जय गुरु। जय गुरु। खूब भालो पाठ करले। हां खूब सुंदर। जीवन उत्सव आगे आमे हमर अमूल्य जीवन एवं कर्म संवेग को भूल रास्ता रे नेकी चली छु हमर अति प्रिय अस्तित्व को खुन्न करी कि प्रवृत्ति शृंखले बांधी कि इतर अहम एवं ज्ञानता आश्रय नहीं कि आमे चली छु एवं भावु छु एटा हमर जीवन रो उपभोग बोली भावु सते बेले से प्रभु दुख पाती एवं से तेणु से बारंबार से कही मुझा कहूँ से तीव्र भाव तुम यही भाव आगे न चल सारा देश यही कथा गुड़िक संचालना कर व्यक्तिगत भाव समिगत भाव जब सुगठित संगठित न कर अदूर भविष्य तुम एत बड़ विपर्य सम्मुखीन हो जार भयावहता यही अवस्था माने भयावहता तो कल्पना भी कर ठाकुर बहुत पूर्व क्या कही जाइए कि दादा मध्य सुंदर भाव से आवृत्ति में लिखी बंचवार आकृति समस्त भितर अच्छी किंतु से निजे बंची कि अन्य को बंचवार आकृति न रुहे मनुष्य जब अन्य को ठके कि निजे बंचाप चेष्टा कैसे से आकृतिटा रुग्ण हो जाए आज हो काली हो समस्त से पक्षाघात रोग समस्ते आक्रांत हे तेणु परिवेश हूँ आम अंग तार स्वार्थ पलाप कर आम स्वार्थ जिते आम देखा चाहबू से निजे क्षतिग्रस्त हो तेणु आम निजे बचीबू अन्न को बचेबू निजे आनंद पाइबु अन्न को आनंद बांटिदेबू ताल जाम प्रकृत उपभोग कौन आम जापर। जय गुरु। सुंदर भाव माँ पाठ कर सर्वांगीन मंगल कामना रखुच्छे प्रभु पाद पद्म बर्तमान आमर कह मैंने बर्तमान कहे मित्ताराणी पात्र माँ यापर अच्छा सरोजिनी माँ कहे कृषा माँ अच्छा जन जन नाम कह समस्त कहे बर्तमान से मिताराणी माँ से आमको आज आलोचना विषय पर आलोकपात करेंगे दस मिनट लेखा कहे परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पाद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम जगत जननी लक्ष्मी माँ चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम ठाकुर परिवार समस्त सदस्य को मोर प्रणाम एही ऑनलाइन रे सुनुथवा समस्त ऋतिक देवता भक्तिमती माँ मान को मोर प्रणाम आउ मातृ समन परिचालना करथवा सब दीदी को मोर प्रणाम। जय गुरु। आज विषय हूँ नारीर आदर्श हृदय आवेग अनुरक्ति हृदय आवेग अनुरक्ति मुखरे सहानुभूति नासारंद्रे स्नेह ममता आउ श्रवण रे वेद श्रुति मस्तिष्क रे बोध विवेचना चरण रे क्षिप्रता और कर्म तत्परता सर्वांग रे वृत्ति नियंत्रण जे स्त्री तार स्वामी देवता को भक्ति और प्रेरणा दे आदर्श कठारे अनुप्राणित करी विश्व सेवारे तत्पर करी तोली पारे से स्त्री तार स्वामी कठारे नारायण आविर्भाव कराई पारे संभव कराई पारे आविर्भाव बुढ़ी ठाकुर कह नारी वैशिष्ट्य अच्छी निष्ठा धर्म शुश्रूषा सेवा साहाज्य संरक्षण प्रेरणा प्रजन यही गुड़िक होची नारी वैशिष्ट ए गोटे मात्र न रही नारी रही रहा ना पुणी ठाकुर कहते महत गुण कतोटी एक रे आदर्श रे अनुप्राणिता दुई रे सेवारे दक्षता कार्य रे निपुणता कथारे मिष्टता और सहानुभूति
व्यवहार रे संवर्धना जेपरी ठाकुर कहिसंती तुमे लतार स्वभाव अवलंबन करो आउ आदर्श वृक्ष को जड़ाई धर सिद्ध काम आदर्श हेउछंती परम पिता श्री ठाकुर तांकु धरी तांकु नाम ध्यान जप तप करी चालिले आमे आदर्श नारी आदर्श झीव आदर्श रे अनुप्राणित होई परिबा पुणी ठाकुर कहिसंती तांको नारी नीति रे मोर कथा गुड़िक जदि तुमर केवल कथा ओ चिंतार खुराक मात्र हुए करिबा बा आचरण भीतर दे से गुड़िक दि वास्तव रे फुटे तोळी न पारो तेबे पाइबा जे तुमर तमसा छन रही जीव या किंतु निश्चय ठाकुर कहिसंती तांकर कथा तांकर चिंता जदि आमे वास्तव कर्म रे फुटे तोळी न पारिबा तेबे आमर ठाकुर कहिसंती पाइबा जे तमसा छन रही जीव पुणी ठाकुर कुमारी झियो मानंकु कहिसंती कुमारी झी माने पिता प्रति अनुरक्ति थिबा दरकार तांकर सेवा साहाज्य करिबा तांक सहित आलाप आलोचना करिबा उन्नतिर प्रथम सोपान सेई विषय रे मु ठाकुरंकर जननी माता मनमोहिनी देवीकर गोटे पिला दिनर घटना कहुछि जेतेबेले माता मनमोहिनी छोट पिला थिले सेतेबेले से तांकर पितांकु बहुत भक्ति करथिले तांकर आई मांकु भी मध्य आई मांक संगरे पूजा करिबा तांकर होची भागवत रामायण पढ़ी सुनिबा फूल तोळीबा सब काम रे माता मनमोहिनी साहाज्य करथिले तांकर पिता जतेले राधा माधव विग्रह पूजा करथंती तांक पाखरे बसी माता मनमोहिनी तांकर पूजा अर्चना सुनथंती बसथंती किछ दिन परे तांकर सेई राधा माधव विग्रह पूजा करिया पई तांकर मन हला तेनु से पितांकु कहिले ते बापा मु ठाकुरंकु पूजा करबी बापा आ किछि न कहि कहिले तू छोट पिला आउ तू बड़ हेले पूजा करिबु से जिद धरि बसिले जे मु ठाकुरंकु पूजा करबी तापरे आपण जे मंत्र सिखछंती मते मंत्र दियंतु मु पूजा करबी ताको बापा माने किंग कर्तव्य विमूढ़ हई सेते बेले कहिथिले पिलांकु छोट पिलांकु बुझेवा उद्देश्य रे कहिथिले जे मन तू गोटे काम कर तू नाम ध्यान कर ठाकुर पाखरे से ठाकुर तते सहाय कि मंत्र देबे तेणु सेइटि तांकर मन खुशी हेतला तेणु सी सबु दिन बापा पूजा करी चल जिबा परे आखी जोड़ी बसी ठाकुरंकु मंत्र भिक्षा करथिले जे मंत्र दियंतु ठाकुर मु पूजा अर्चना करिबे आपनकर एमिति किछि दिन गड़ी गला तापरे दिने तांकर मन को आसिला बापा तो ठाकुर को पूजा करी कुए पिए सुई दे जाउचंती से तांकर मन को आसिला जे मु ठाकुर को उठे कि बसै देबी तापरे जाई तांकु मंत्र भिक्षा करबी तापरे तांकर सेई ठाकुर तांको बापा तले पूजा अर्चना करी ठाकुर को पूरा भाव प्रवण हई स्वप्न ठाकुर निजे से पीतल विग्रह परिवर्ते विराट रूप कांति आसिले आईटी ही नाम देते सत नाम देते राधा स्वामी मंत्र मनमोहिनी देते तेणु आम पिला दिन रुदी छोट पा झी मान को ठाकुर को भक्ति रे अनुप्राणित करि परिबा तांकु पूजा अर्चना आदि करे आगे दे परिबा ते से दिन से माता मनमोहिनी को परिजन आदर्श नारी हि परिबे बड़ मां को कथा टिके कहूछि बड़ मां थरे ठाकुर को खाइबा को देथिले ठाकुर खाइला समय रे गुटे तांको भात रे गुड़ी बाहर थिला ते ठाकुर सेताल नुचे कि ओलिया भीतर के माने भीतर के रखि देथिले जे बड़ मां जानि परिबेनि बड़ मां बड़ बो तुम्हें कौन कर चावल बाछी कल आप गुड़ी भाला तुम जान लो कमी तो गुड़ी टाक लुचे रखी लक्ष्मी कहले मुण सब कथा किछिटा जानीपे यही हूँ पुरुषोत्तम गृहिणी यही हूँ आदर्श नारी पुणी पतिव्रता नारी विषय गोटे छुट्टिया गप कह
सांग करी जड़े पतिव्रत नारी थे से स्वामी सेवा सब व्रत था जड़े साधक ब्राह्मण थे गच्छ मूल रे बसी वेद पाठ करुले से गच्छ उपर जड़े बग तापर मूल त्याग कले से रागी जाए अभिशाप दे से भस्म ही गला से पर दिन से पतिव्रत नारी घर को जाती भिक्षा मागवाई तेणु से पतिव्रता स्त्री पतिव्रता नारी से स्वामी सेवार व्रत थे तेणु से जो भिक्षा मागले कह टे अपेक्षा करतीक कहला से साधक ब्राह्मण बहुत रागी गले पुणी से कहले जे आप रागी जाऊँ कहीं मु तो मो स्वामी को सेवा करुची आउ खाइबा को दौची आ मुझे बक कि नुहे आप मत अभिशाप दे पुड़ी देवे तेणु जन पतिव्रतार नारी स्वभाव आदर्श नारी री तेणु आमर से बड़ माँ को कि माता मनमोहन चरित्र रुदी कि आम चरित्र चरित्रायित करने आम जीवन से आदर्श ही पड़ब जेपरी चीनी खाइले निद्रा रे खाइले कि सचेतन अवस्था खाइले से मीठा लगे से सतनाम आम जब सब समय नाम कर चल ठाकुर को धरी गुणगान कर चल आम से आदर्श नारी आदर्श झी आदर्श माँ हो पार ये मोर व्यक्त रखुची भूल थे क्षमा करेंगे जय गुरु जय गुरु जय गुरु सुंदर भाव जो आलोचना रखिले मान नारी जो से कुमारी झीर शिक्षा तार चाली चलन आचार व्यवहार तार परवर्ती जीवन गभीर प्रभाव पकी था से कुमारी जीवन जी सुशिक्षित हम सुनीति परायण हम जिते दूर समय सूची शुद्ध पवित्र हम तार व्यक्तित्व से विकसित हम तार कथार सार मोर मत यह सर्वांगीन मंगल कामना रखुच्छी प्रभु पादपद्वारे बर्तमान मोर सरोजिनी माँ से नृत्य विषय पर किसी आलोकपात करेंगे यापर अच्छा ममता माँ आज मध्य सहित अच्छा सरोजिनी माँ को परे ममता माँ कहे कृष्ण माँ कह सरोजिनी माँ सरोजिनी मा ज्ञान बोमा कोई थान थे जनों बोमा को देह खराब तो सासुमा कही है सरोजिनी मा हेलो सुबुची दीदी हाँ सुबुची कौन तू हाँ आमर की तो है ये लाजे बाते से बाते सुबु गए हाँ दीदी वो मुझे माने आदर्श गृहिणी आदर्श माने माँ मध्य अनु आजे तांको पाखरो हमें किस सुनिया को चाहूँचे जय गुरु मन्नाथ श्री जगन्नाथ मधुगुरु श्री जगद्गुरु मोदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः शरणागत दीनार्थ परित्राण पुरायण सर्वसिद्धिदाता देव इष्टस्तं मे नमस्तुते त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या
द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वप्रथमे आराध्य श्री श्री सद्गुरुंक श्री पाद पद्मरे मोर अनंत अनंत कोटि प्रणाम आमर परम आराध्य श्री श्री लक्ष्मी मांक श्री श्री पाद पद्मरे मोर अनंत अनंत कोटि विनम्र प्रणाम श्री श्री ठाकुर परिवार समस्त मोर सभक्ति पूर्ण विनम्र प्रणाम उपस्थित पूजना बहुत मोर सभक्ति पूर्ण प्रणाम जनावि बहुत मोर प्रणाम नेबे जय ज्ञान मान को अंदर जय विषय वस्तु नदर्श नागंतु कि धर्म निष्ठा त्याग क्षमा भक्ति प्रेम सुगुण हेलो दीदी हेलो दीदी हेलो दीदी बहुत ना ना मुठिए जाई देखि बाहर को मु जानि परुनी मु भितरे थी बसछि सेठी मा सुइछनी मोछा खाइ जो वर्षा होछि ना से मा पाखर मु बसि नै एठी के आसेनी कथाटा तो परिष्कार ना एकदम जाउ जे हम देखि छै को बाटोटा खुलि के देखुछि देखि जदी आसीबो त मु जानि परुनी हो हो खाली देखो ठीक है देखि के कुहो खाली हां ठीक अछि आज कर विषय वस्तु नारी रो आदर्श नारी हुंतु किबा पुरुष आदर्श माने एको ही सत्य धर्म न्याय निष्ठा सेवा त्याग क्षमा भक्ति प्रेम प्रभृति सुगुण बा सर्व सद्गुण रो समष्टि ही सु आदर्श बा सत आदर्श एही सब सत आदर्श केवल जणक ठारे ही रूपायित हुए सुबुझना दीदी हां सुबुझी सुबुझी से महालक्ष्मी हुंतु किंबा माता दुर्गा हुंतु किंबा विष्णु भगवान हुंतु किंबा भगवान शिव हुंतु एमाने सब एक ही एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति जन्म नेवा परठु एही सब सद्गुण गुड़िक आंभ मानकु साउटी साउटी मृत्यु पर्यंत जीवाक पड़े आ मृत्यु परे जीवात्मा ए शरीर रु बाहरी जाए किछि निए नाही धन दौलत ना मन बुद्ध चौदसर मन की क्षणिक समय चिंताधारा पूर्व जन्म तो समस्त जान मनीष चिरक्ष केवल सरोजंदी बाहर को जाई की कोहंतु बाहर सुबुथुला आ किछि सुबु नाही वर्तमान
आमे आसु ब्रह्मांड समस्त रंग रस से गर्भ धरिणी प्रथम आदर्श जन्म दे दशम गर्भ ध्यान चल दीदी किसी शुभु नाई दीदी से बाहर को गले शुभिब ए घर भीतर शुभुनि बाहर बर्ष दीदी पर नहले कहिबे मो वर्तमान हमर ममता मां को कहूची से ममता मां ममता पात्र मां ममता पात्र हां से सहित अछंती ममता पात्र आज कौन है नेटवर्क प्रॉब्लम ना हेलो यार भल से बजाऊंगी इनी जय गुरु सुबुजी जय गुरु हेलो ममता मां को लाइन ले अच्छा कि ममता बर्षा हूँ से बोधे बर्षा बर्षा हूँ बोधे आप जल सब बर्षा हो Thank you.
त्रिषा पाल जय गुरु जय गुरु ठाकुर चंद्र पाद पद्म शत सहस्र कोटि प्रणाम আজকে মাতৃ সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় নারীর আদর্শ শোনা যাচ্ছে কি ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে নারীর আদর্শ নারী শব্দটা নিয়ে অনেক আগে এর আগে অনেকবার বলা হয়েছে যে নারী শব্দটা ভাঙলেই দুটো শব্দ পাচ্ছি নি প্লাস নি আর নি শব্দের অর্থ মানে নয়ন বা প্রাপ্য মানে আমাদের শরীরের সব থেকে সেনসিটিভ অঙ্গটা অন্য মানে মিউট করে রাখো অন্য মানে মিউট করে রাখো आपण म्यूट कर दियंतु सानु को कहंतु समस्त रे म्यूट कर दबो सानु को कहंतु समस्त रे म्यूट कर दबो যে শব্দটা পাচ্ছি নারী শব্দটা ভাঙলে পরে নি প্লাস নিজ আর নি শব্দের অর্থ মানে নয়ন প্রাপন মানে একটা শরীরের যেমন চোখটা সব থেকে সেনসিটিভ যেটা ছাড়া সবকিছু অন্ধকার তেমনি নারী ছাড়াও আমাদের সমাজ এই সবকিছুই অন্ধকার যেমন মহা মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন নারী শব্দের অর্থ মানে হচ্ছে নেত্রী যার মধ্যে লিডারশিপ আছে যে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা যার মধ্যে আছে তার মানে নারী এই যে আমাদের যা কিছু আর নারীর বৈশিষ্ট্যটাই তাই পরমপিতা পরম দয়াল সৃষ্টিকর্তা নারীকে সেইভাবেই সৃষ্টি করেছেন যে তার আর পরম দয়াল বলেছেন যে নারী মানেই হচ্ছে ধারণ করা বৃদ্ধি পাওয়ানো আর এই ধারণা বৃদ্ধি পাওয়ানোতেই নারীর নারীত্ব আর আদর্শ শব্দটা নিয়ে বলার প্রথমেই আদর যেটা সামনে চলে আসে ঠাকুরের সেই বাণীটাই আমি পড়তে চাইছি চলার সাথে থেকে যে আদর্শ তোমার পিতা আদর্শ তোমার পালক আদর্শ তোমার স্রষ্টা আদর্শ তোমার চালক আদর্শ তোমার প্রিয়তম মান সর্বপ্রকারেই তুমি আদর্শের হইয়া থাকো মানে যা কিছুই করি না কেন এটা নারী বা পুরুষ সকলেরই আদর্শ আর আদর্শ মানেই হচ্ছে সেই বৈশিষ্ট্য পানি আপ্রয়মান যিনি পূর্বতনে পরিপূরক সেই স্রষ্টা পুরুষই তো আমাদের সকলে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই আদর্শ আর পরম দয়াল মায়েদের নিয়ে যা যা বলেছেন মায়েদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাদের চাল চলন ব্যবহার তাদের সেবা দক্ষতা নিয়ে এইগুলো যদি আমি মেনে চলি এই সমস্ত গুণ অন্তত পক্ষে কয়েকটা পয়েন্ট যদি ধরে নিই তাহলে আমার নারীর আদর্শ আমি একটা ভালো নারী হতে পারবো আর আদর্শ নারী আদর্শ দেখতে গেলে আদর্শবান যারা নারী আছেন যেমন আমাদের মহিষী মাতা মনমোহিনী দেবী কিছু বড় মা আমরা প্রত্যক্ষ যে মায়েদের আমরা দেখছি তাদের দেখলেই বুঝতে পারবো যে কি করে কি হওয়া উচিত নারীর আদর্শ যেমন আমি একটু বলতে চাই যেমন ঠাকুর এক জায়গায় বলেছেন এক রেণু মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে বড় বউ কি করছে এটা জানতে চেয়েছিলেন তখন রেণু মা বললেন যে রান্নার জোগাড় করে এখন বই পড়ছেন তখন পরম দয়াল বললেন বড় বউয়ের বই পড়ার খুব ঝোঁক একটু ফাঁক পেলেই বই পড়ে তখন তারপর জিজ্ঞেস করলেন রান্নার কি খবর কি এই বিষয়টা জানতে চাইলেন মায়ের কাছ থেকে তো রেণুমা বললেন যে বাড়ির ভেতরে গিয়ে জেনে আসছি তখন ঠাকুর বললেন যে কড়াইও ফাঁক রাখবি না বলায়ও ফাঁক রাখবি না জানায়ও ফাঁক রাখবি না এই তাহলে সংসারের মধ্যে থেকেও অনেক জ্ঞান অর্জন করা যেতে পারে সবকিছু জানা যেতে পারে আর আচিল যেভাবে তোলে সেইভাবে যদি নিজের দোষ ত্রুটি গুলোকে তুলে ফেলা যায় তাহলে অন্যরকম যে আনন্দ একটা একটা রাজ্য জয় করার যেমন আনন্দ সেই আনন্দটা পাওয়া যায় আর
আরো আরেকটা কিছু বলতে চাই, যেমন এখনকার দিনে যে মায়েরা তো অনেক শিক্ষিত হচ্ছে, পূর্বের মায়েদের নিয়ে বলছি, পূর্বের মা আগে যেমন পূর্বের মায়েদের ঠাকুর বলেছেন যে ভারতের নারীদের চাল চলন ব্যবহার এমন ছিল যে কেউ সাহসী পেত না তাকে একজন ক্রীড়ারক হিসেবে ব্যবহার করার এই মানসিকতাটাই তাদের ভেতরে আসতো না, এমন ছিল ভারতের নারীদের চাল চলন। তাহলে এখন বর্তমানে নারীরা শিক্ষিত হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সন্তান ছেলে পেলে কি করে মানুষ করতে হয় তা জানে না। তাহলে এই যে সবকিছু শিক্ষার ধারক যার হাতে, যে নেতৃত্ব যার হাতে, তিনি হচ্ছেন নারী। তাই আর এই নারী কেমন হতে হবে, ঠাকুরের নারীর নীতি বইতে আছেন যেমন আদর্শ মহৎ গুণ, এই কয়েকটা গুণ যদি নিজের মধ্যে রক্ত করে দেওয়া যায়, যে আদর্শ অনুপ্রাণতা, সেবায় দক্ষতা বা কর্মে নিপুণতা, তারপর কর্মে নিপুণতা সংবর্ধনা, এই যে তারপর হাসি সহিষ্ণুতা, সকলের সাথে ভালো ব্যবহার, এই গুণগুলোই হচ্ছে মহৎ গুণ। আর আর এটা ঠাকুরের যেমন বানিয়েছে না যে চাহনি তোমার মিষ্টি করো, মিষ্টি করো কথা, চলন তোমার মিষ্টি করে ঘুচাও সবার ব্যথা। তো এই গুণগুলোই যদি আমার মধ্যে আমি রপ্ত করে তুলতে পারি, তবেই আমি হয়ে উঠতে পারবো সেই আদর্শের। একদিনে বা এক জন্মে হওয়া তো সম্ভব না, অন্তত পক্ষে নিজের দুষ্ত্রুটি গুলোকে ছেড়ে ঝেড়ে ছেড়ে ভালোর দিকে, অনেক ভালোর দিকে এগিয়ে যেতে পারবো। আমি আর বেশি কিছু বলবো না, শুধু চলার সাথে সাথে থেকে যে আদর্শ অনুসরণের সার্থকতা, এই বাণীটা পাঠ করে আমি আজকের বলাকে শেষ করব। যে তুমি যাহাই হও আর যেমন তরই হও, তোমার চাল চলন আচার ব্যবহার যতই পঙ্কিল হোক না কেন, আদর্শ আপ্রাণ হইয়া যাহাতে কোন প্রকারই তাহাকে কোনরূপ অপঘাত স্পর্শ না করে, এমন তোর ভাবে তোমার জগৎ ও পারিপার্শ্বিকে তাহার প্রতিষ্ঠায় উদ্যম হইবে। দেখিও যাহা কিছু পাপ, যাহা কিছু আবর্জনা, সমস্তই ক্রমে ক্রমে ঝরিয়া পড়িবে, দীপ্ত হইবে, উজ্জ্বল হইয়া সবাইকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে। শুনিতে পাইবে সবার অন্তর্নিহিত চেতনা তোমাকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারণ করিতেছে, শান্তি শান্তি শান্তি। এই শান্তি শব্দটা সকলের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হবে সব সময় যদি আমরা ঠাকুরের কথাগুলোকে সবকিছুকে মেনে চলে এগিয়ে চলতে পারি। আর সবাই শোনো শোনো, আটটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটু থেকে ধারণা দাও। নারীদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে ঠাকুরের, যেমন নারীদের বৈশিষ্ট্য তো আটটা বলাই আছে, কিছু আমার বলার আগেই মা যেমন বলেছেন নিষ্ঠা সেবা শুশ্রূষা, তারপর প্রজনন ধর্ম সেবা প্রজনন, এই যে আটটা গুণাবলী গুলো আছে, এই আটটা গুণাবলী যদি নিজের মধ্যে রপ্ত করে দেওয়া যায়, এই আটটা গুণাবলী যদি আমি, এই আটটা গুণেই যদি আমি ফোকাস করি যে এগুলোই আমার বৈশিষ্ট্য, এটাই আমার সবকিছু, তাহলেই একটা নারী আদর্শ নারী হয়ে উঠতে পারে, সম্ভব। কারণ মানুষ সবকিছুই পারে, ভগবানকে নিজের মধ্যে ধারণ করে পৃথিবীতেও আনতে পারে, সবকিছুই পারে। তার জন্যই তো নারী শক্তি রূপিণী, ধ্বংস করার শক্তিও তার হাতে, সৃষ্টি করার শক্তিও তার হাতে। সবাইকে আমার আনন্দিত জয় করি। সুন্দর ভাবে মা আমার শ্যামকু সুন্দর ভাবে আজ আলোচ্য বিষয় উপরে আলোকপাত কলে, তাঁর ইষ্টচ্ছল জীবন তথা তাঁর সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা রাখুছি প্রভুঙ্ পাদ পদ্মরে। বর্তমান পূজনীয় বৌদি আমার রাঞ্চি পূজনীয় বৌদি, তাঁর পাখর আমি আজ কিছু শুনবা। বলার আগে সায়ন্তনী একটা ভজন বলুন। জয় গুরু। এই তোরে সেই প্রেমে মধুর বৃন্দাবন, যেথা প্রাণে ঠাকুর প্রাণময় হয়ে দিয়েছেন দর্শন, এই তোরে সেই প্রেমে মধুর বৃন্দাবন।
মধুর বৃন্দাবন এই তোরে সেই প্রেমের তীর্থ মধুর বৃন্দাবন নিত্য যে থায় বিনতি সুরে চিতে জাগায় দোলাপ চলে সুরভিত ফুলে সাজানো বরণালা নিত্য যে থায় বিনতি সুরে চিতে জাগায় দোলাপ ধূপদীপ চলে সুরভিত ফুলে সাজানো বরণালা শঙ্খ ধ্বনি জয় কলরলে হয় তারি আবাহন এই তোরে সেই প্রেমের তীর্থ মধুর বৃন্দাবন এই তোরে সেই প্রেমের তীর্থ মধুর বৃন্দাবন কত পথ ভোলা হতাশ পথিক জীবনে পথ পায় কত মরা গাঙে নামের প্লাবনে যৌবন উথলায় কত পথ ভোলা হতাশ পথিক জীবনে পথ পায় কত মরা গাঙে নামের প্লাবনে যৌবন উথলায় কত শুষ্ক তরুতে সঞ্চারিত হয়েছে নবজীবন এই তোরে সেই প্রেমের তীর্থ মধুর বৃন্দাবন এই তোরে সেই প্রেমের তীর্থ মধুর বৃন্দাবন পুরুষোত্তম চরণ পরশে পবিত্র হে ধুলি নীতি নাম লীলা স্মৃতি বিজড়িত মধুময় নিঙ্গুলি পুরুষোত্তম চরণ পরশে পবিত্র হে ধুলি নীতি নাম লীলা স্মৃতি বিজড়িত মধুময় দিনগুলি ভগবান শনে ভক্তের যেথা হয়েছে মহামিলন এই তোরে সেই প্রেমের তীর্থ মধুর বৃন্দাবন এই তোরে সেই প্রেমের তীর্থ মধুর বৃন্দাবন যেথা প্রাণে ঠাকুর প্রাণময় হয়ে দিয়েছেন দর্শন এই তোরে সেই প্রেমের তীর্থ মধুর বৃন্দাবন জয় গুরু জয় গুরু সুন্দর ভাবে সায়ন্তনিমা আমার ভজন পরিবেশন কলে পরম প্রেমময় সে হচ্ছে পরম তীর্থ সেই পুরুষোত্তম যেঠাকু গেলে মনর গ্রন্থি মোচন হয়ে সেই হচ্ছেন তীর্থ পরম পুরুষ এবং সেই আমার যে অনেক মানে মধুর বৃন্দাবন তাঁর সর্বাঙ্গীন সুস্থতা এবং তাঁর ইষ্টচ্ছল জীবন মু কামনা করুছি প্রভুঙ্ পাদপদ্মরে বর্তমান আমার ঘরে উপস্থিত অনেক আমার পূজনীয় বৌদি সুদূর রাঞ্চি অনেক বৌদিঙ্কর মিউট অছি আনমিউট করতে হবো না না না
सानु म्यूट कर थिला बोधे सानु को पचान तो सानु म्यूट कर थिला सानु समस्त म्यूट कर थिला तांको तांको अनम्यूट करते हो वो ये लॉकडाउन सानु खुली जो उठे ची तो सोने दिए थे हमको सानु खुल दे ची मुनि ये तो कॉम सुबुद के ना चला जी ना हां हां प्रताय किटे फोन करते कहबे त म सहित कर लेने के उठो भल जाउ ए सरले प्रताय किटे फोन करते कहबे त आ गया आ गया हां सरु सरु हां काई सब साइलेंट हो गेला ए प्रताय भाउज को दियंतु प्रताय भाउज ना बौदी बौदी कहबे जे बौदी कहि सारंतु हां बौदी से ओ होउनि कोजन बरा मने फोन कर कथा भी किसी शुभुनि ओकरा किछे सुबुनि तो मते भी तो सळ दिन को कथि किछे सुबु नाही हां सुषमा दीदी मो कथा आपन को सुबुची ना मो आपन कथा सुनि परु छी सुबु नाही किनो हां सळ दिन को कथा किछे सुबु नाही सळ दिन कथा किछे सुबुनि सळ दिन अन्न फोन रे कथा हो जोंती तन सुन सळ दिन बहुत दिन से कथा सळ दिन पाहि पडु जोंती छोटरे दुसुच पडु तो कोन हे कथा कहउचंती किंतु तांको त सुबुनि से तो अनम्यूट भी अछंती किंतु हमर बुद्ध देव घर बोदी से तो म्यूट अछंती दि फोटो भी आसुनी हां बोदी फोटो आसुची पूरा फोटो आसुची दीदी माने सळदिन करबे आसुची हम बोदी करबे आसुची ये जानि पर माथि हां सानु 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 टे ठीक कर दे सानु सिस्टम टा कोन गण रहै छै ठीक कर सळदेवी भी उठै गेले सळदेवी भी फोटो चली गेले मैं उठै गेले ये संजीता दीदी आपन टिके फोन करन तो ना ओ मामता मामता हां दीदी सुबिला एबे दीदी सुबिला आपन कथा किछु सुबु नथिला ओ मामता को मामता जे जयगुरु जी सुबु जी ओ सुबु जी को जे जयगुरु सुबु जी सुबु सुबु जी को परम दयाल परम
बंद कर दी परम दयाल परम प्रेम महिषी ठाकुर अनुकूल चंद्र पाद पद्म रे मोर अनंत कोटि प्रणाम श्री श्री बड़मांग चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम ममता को सही उच्च परिवार रो प्रति प्रत्येक को मोर प्रणाम पूजनीय बोधी को प्रणाम मातृसमय अध्यक्ष रे सोचवा समस्त गुरु भाई मा सड़ा छोट छोट पान मोर अंतर गुरु जनाए आज आलोच्य विषय रखी नारी आदर्श नारी हूँ शक्ति स्वरूपिणी नारायणी समाज धात्री पात्री नेत्री आयत्री और जनयत्री आम अतीत भारत भारत को देवभूमि कहला तार प्रत्येक मनुष्य को देव बा देवी मान्यता दिखाला आई देश नारी हूँ रत्न गर्भा तार गर्भ रु स्वयं भगवान जन्म ग्रहण करती से नारी तार स्वामी को निज गर्भ स्थान दे पुत्र रूप से जन्म कर जया नाम को सार्थक कर हेलो हेलो सुबुजी जय गुरु सुबुजी दीदी सुबुजी सुबुजी नारी समस्त को समस्त सुख स्वच्छंद निज तार सार्थ को बोली तार परिवार को सजाड़ी निए तार स्वामी शाशु शशुर दियर नंद समस्त को नहीं तार परिवार एवं से स्वामी सेवा ही तार जीवन परम व्रत से भागवत अच्छी नारी हरि प्राय नीति सेवा करती निज पति से नारी लक्ष्मी प्राय हो पतिर हस्ते हस्त दे पति संगते विष्णु लोके बसई आनंद मन पड़े से जो पुण्य भारत भूमि से भारत वर्ष जन नारी वस्त्र मात्र से देश नारी आज वस्त्र बर्जन कर मान अति अश्लील वस्त्र परिधान कर रंगीन आलोक सज्जा मध्य नृत्य परिदर्शन कर दर्शक मान मनोरंजन करवाकुछ जना पड़े आज नारी क्यों स्थिति रे जाई पहुंचलानी कहीं आदर्श संतान सृष्टि संतान गोटे माँ सृष्टि कर पार ना शेष जुगरे से पूर्व भारत जते आदर्शवादी नारी मान प्रतिभा दक्षता थिला एवं योग्यता अवदान थिला अतुलनीय कारण कारण कहना से जीवन रे आदर्श थिला व्यास व्यसन आभोग को से माने मानने ज्ञान मन मन कर जीवन थिला स्वामी इंद्रिक जीवन आमकर लक्ष्य थिला स्वामी को देवता बोली भाविकी तांको नारायण बोली पूजा करथले एवं तांकर सेई परिवार को शाशु ससुर दियर नंद सब परिवार को से ससुर साम्राज्य होई उठथले से परिवार आ नारी जदि इष्टानु को होई निज को सत संदीपा आ वर्धन मुखर करि तली न परे तबे स्वामींकर तार स्वामींकर कुल संस्कृति संजात व्यक्तित्व एवं चरित्र को माने ठीक भाव रे नियोजित करि पारे नै आ देशर एई जो महा दुर्दिन रे मातृजाति जो सचेतन हो इष्ट प्रत्याशा इष्ट दीक्षार दीक्षित हो निजर वैशिष्ट अतुट रही आश्रिक प्रकृति को नियंत्रण करने स्त्रीविरोधी चलनी अवसाद घटे आत वैकुंठ सृष्टि करने नारी को कौन दरकार ना गोटे आदर्श केन्द्रिक जीवन जापन करने दरकार जी की जीटा की आम बहु पूर्व पूर्व काल प्रचलित आज कौन आज आर्य भारत वर्ष प्रत्येक नारी शिक्षार अभाव ना किंतु अभाव अच्छी चलनी आदर्श आदर्श वास्तव रूप आम सब श्री श्री बड़मा हूँ जीवन हूँ आदर्श नारी शिक्षार मूर्तिमंत प्रतीक जीवन को आम जदि पर्यालोचना करवा अनुधान करवा जापर से किपर भाव जीवन सारा निज जीवन को उत्सर्ग कर शाशु शशुर दियोल नंद समस्त कथा बुझी जग जन्मा श्रेष्ठ सतान माँ ही पारे प्रत्येक नारी जने जने जननी सुजाया सुभगनी हेले आज जो ध्वसमुखी मानव समाज को सुपथ से परिचालित कर देश राशि को जदि निष्ठा हुआ पितृमातृ भक्त सुसंतान उपभोग दे पार बड़मा जीवन को जदि आम लक्ष्य करवा जीवन को जदि देखा पढ़ा अनुशीलन करवा तेज जाणी एत गुड कार्य से किपर भाव में गोटे समय कर नारी को पाइक से श्री ठाकुर मुग्ध कही तुम्हें सती स्वाधी स्वामी परायणा तुमको मुझे शिक्षा देवी बर मु
तुम निकट रु तुम स्वामी भक्ति शिक्षा करिवार उपयुक्त भारत तुम्हें ही मत जत दूर पार चईन से श्री श्री बर्मा बंगला 1301 साल इंग्राजी 1894 मसीह जुलाई मस 30 तारीख रविवार दिन कृष्णा द्वादश लग्न सकाल 8:15 समय पावना जिलार भपादह ग्राम एक कुलीन ब्राह्मण परिवार जन्म ग्रहण करते पिता थे रामगोपाल भट्टाचार्य और माँ थे त्रिनयनी देवी पिलादिन स्फटिक अमल धवल रूप देखी पड़ोसी मैंने नाम रखी फटकी आर पिता माता श्रद्धार नाम रखी सरसी वाला बहुत पर शाशु मनमोहिनी नाम दे सरसी वाला परवर्ती काल से नामित हेले जगत जनी लक्ष्मी रूप सत्संग जगत जगत से नामित हेले श्री बड़मा रूप से पिलादिने अति शैशव काल पूजा पूरे अधिकांश समय समय बीतला पूजा आरती अर्चना वंदना तथा देव पूजा प्रगाढ़ शुक्ल गुण पूर्व संबंध रही पृथ्वी देखिए कौन सी नारी ना जी की स्वामी पाखे निजर इच्छा प्रकाश करी ना कौन सी जिनस अली करी ना मात्र श्री लक्ष्मी थी तार एक व्यतिक्रम से श्री ठाकुर किसी हेल्ले जाए ना कि स्वामी निकट में कौन सी जिनस अली करी ना बर स्वामी श्री ठाकुर चाहवा को उद्ग्रीव भाव प्रतीक्षा करते श्री ठाकुर कौन चाहिए मुझे इच्छा को परिपूर्ण करी गोटे स्वतंत्र मन कि स्वतंत्र रुचि अच्छी से स्वप्न सुधा भावि ना रुचि मन श्री ठाकुर रुचि मन संगे एकाकार हो जाए श्री ठाकुर प्राण थी सदा सर्वदा उत्सर्गीकृत नारी रो आठ वैशिष्ट निष्ठा धर्म सेवा शुश्रूषा साहय संरक्षण प्रेरणा आयोजन यही आठटी वैशिष्ट जीवन में बास्तव भाव फुटी उठला चलनी भितर फुटी उठीला चरित्र चरित्रायित होता एवं जीवन सारा श्री ठाकुर पाखे रही स्वार्थ आ प्रतिष्ठा से निज जीवन को उत्सर्गीकृत करते देह मन चक्षु कर्ण श्री ठाकुर सदा सर्वदा जाग्रत मन सर्वदा ठाकुर कथा चिंता कर मुख सर्वदा ठाकुर कीर्तन कर हस्त द्वय सर्वदा श्री ठाकुर सेवा करुला चक्षु द्वय श्री ठाकुर दर्शन करुला कर्ण द्वय श्री ठाकुर कथा केवल श्रवण करुला श्री ठाकुर सब बेले नाना काम नाना भक्त को नहीं सब व्यस्त रोते श्री श्री बड़मा दूर रही सब सजा दृष्टि लक्ष्य रखुले श्री ठाकुर घर को आसते श्री बड़मा कहते था आज तुम स्नान कर स्नान करा दरकार ना भारी काशी पुणी हे तो कहते ना आज तुम शरीर टा भल लगुच्छे एटा खाओ से खाओ पुणी जेदी कहते ना ना आज आप शरीर टा भल लगुना भल सुविधा जनक होना तेनालीटा खातु ना से खातु ना तो श्री ठाकुर थे कहले बड़ बो हूँ मो पेटर अभिभावक सीए नी मु जाती श्री ठाकुर थे कही आपण मान ठाकुर जदि नारी देह जन्म नहीं था से रूप ही था बड़ बो ठाकुर बड़मा स्वामी निष्ठा मुग्ध हो गई जो स्त्री साक्षात बोली जाने स्वामी सेवा को देव सेवा बोली मन कर स्वामी सुखने सुखिनी आखिरी दुखी हुए यहपर देव निकट मोर अनेक कि शिखबार अच्छे तेणु ये श्री बड़मा जीवन ही बहुत कथा कहले सर ना तेरे गोटे दुईट कथा कह कहीं आमर पूजन बोधी अच्छे पाखु शुणा गोटे कि दिटा कह मोर वक्तव्य शेष करी आश्रमवासी जिते बाहर बहुत लोग आसुले भल मंदिर खोजा खबर खोज खबर सब श्री बड़मा रखुते केतबाला कार कौन प्रयोजन समस्त अलक्ष्य मानने नजर आढ़ुआल से परिपूर्ण कर दूसरे कथा जब हिसाब कर चलते प्रति काम हिसाब था ठाकुर किसी खंचय करते ठाकुर थे शरत हालदार 25 टी स्वर्ण मुद्रा चाहते मानते बहुत चेष्टा कर हालदार भाई कौन कले ना लास्ट मोमेंट 15 टा मात्र स्वर्ण मुद्रा जोगाड़ कर पारे से श्री बड़मा पाखक डाकि हाथ में 10 टी स्वर्ण मुद्रा देते कहे जा श्री ठाकुर देव श्री ठाकुर प्रयोजन पूरण से मुख्य हस्ता मानने आदर्श गोटे आदर्श नारी आदर्श गृहिणी आदर्श माँ किपर हवा को सी सब व्यस्त स्वरूप थी श्री श्री बड़मा श्री श्री बड़मा और ठाकुर के प्रति श्री बड़मा श्रद्धा और भल पाइबा था अत्यंत गभीर से थे परम पुरुष श्री ठाकुर सम विपरीत सत्ता लीला संगी निरूपे आविर्भूत होती स्वामी थिले परम गुरु स्वामी छड़ा किसी जीवन मान जीवन रही ना स्वामी को केन्द्र कर संसार एवं स्वामी संसार थिला स्वामी केंद्रिक स्वामी मनोवृत्ति अनुसारणी
दिनकर घटना से ठाकुर माने माने बड़मा को बहुत ज्वर हो चार डिग्री ज्वर से माने ज्वर में कंपुचान ठाकुर जो आस बड़बो आज किसी कहबनी कि मान बड़मा अति खुशी मन में बड़मा चलीगले रंधा घर को मुहर से रोग जंत्रणार जो ज्वर कंपुचान से जिन आउना मानने कर्मव्यस्तता भर तापम्रा मानने कमीगला आ सभी से रांधिक ठाकुर खावा को दे आँ कले खाई खुई एत आनंद उपलब्धि कले ठाकुर खाई मानने आनंदित आई खुक आनंदित यही मानने आदर्श उपस्थित बुद्धि भी थी प्रबल जो ठाकुर खचड़ी खाया चाहते सांगे सांगे रोसे घर को जाए खचड़ी प्रस्तुत है ना कि प्रस्तुत आउ तो बहुत कथा अच्छी तब ये कथा कहबी दिन द्विपहर लंठन आम मैंने चिंता करूँ तो गोटे स्वामी तार स्त्री को कह एबकार स्वामी तार स्त्री को कह दिन द्विपहर गोटे लंठन लगे गया जल लिभे दे से कह कि न विचार कहीदब एम बोधे पगड़ा फगड़ा कौन देखा जाऊना कि आम जब से बड़मा जीवन को लक्ष्य करवा जापर से ठाकुर कथा को स्वामी कथा को बिना प्रश्न बिना आपत्ति बिना अजर से मानि नहीं चलते आम आज मातृसम्मिलन करम भितर से बड़मा जो चाली चलना आम मातृसम्मिलन करवा तर सार्थकता पूर्ण हम जी आम से आम भाषण देदे किसी कहीदे किसी बही पढ़ीदे किसी क्या उपदेश देदे से प्रस्तुत हम ना जी आम निज चाली चलने चरित्र से मानने आदर्श को जो गुण गुड़ कोम चरित्र चरित्रायित करात्र मातृसम्मिलन कर सार्थक हम ना केवल पथी बैगण बाड़ी बैगण हो पथी बैगण कौन ना बही बैगण केवल चित्र किसी काम लगे ना कि बाड़ी बैगण से कम लगे तेनालीराम चरित्र चरित्रायित करते आदर्श मानि नहीं ठाकुर गजन राजन मानी बड़मा जो आठटी वैशिष्ट से वैशिष्ट गुड जी आम निज भर फुटे चल पार तेज आम से बड़मा खुशी हे एवं पर हसी उठब सुसंतान जन समस्त हो पारे निज पर सजा नहीं पारे ये मोर व्यक्त विशेष को जय गुरु क्षमा कर नेटवर्क प्रॉब्लम भीतर भी ममता मा आज सुंदर भाव आदर्श जो कथा गुड रखिले अति हृदय स्पर्शी कथा वास्तव शाश्र जे कहले से चरित्र चरित्रायत कर ठाकुर गोटे कथा मन पड़ा जे गॉड केयर्स अ लिटिल व्हाट यू थिंक बट ही सीज व्हाट यू बिहेव एंड व्हाट यू डिड माने तुम्हें कौन चिंता करुच से केयर करती तुम्हें कौन तुम चरित्र कौन देखेल बा कौन कल व्यवहार कौन देखेल बा कौन कल एटा को से देखती तेणु वास्तव जदि आम व्यवहार ठीक रखा ताहले मातृसम्मिलन करिबा भी हमर सार्थक हेबो जय गुरु मुंकर सर्वांगीन मंगल कामना एवं तांकर इष्टछल जीवन कामना करूछि प्रभु का पाद पद्मरे जय गुरु ममता जय गुरु वर्तमान आम गणर उपस्थित अच्छा आम पूजनीय बौदी मुझे अनुरोध करुच्छी से आम आज आलोच्य विषय कि जय गुरु जय गुरु जय गुरु श्री बड़ माँ लक्ष्मी माँ तार चरण प्रणाम माता जगत जननी श्री पुरुषोत्तम जननी तार चरण प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम जगत जन पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती चरण कोटि कोटि प्रणाम विषय वस्तु आदर्श नारी आदर्श नारी विषय जा जा ममता माँ तीसा बोले दिए कि बला जाए ना আর ওরা এত সুন্দর বলেছে আর মানে আমি ভাবছি যে কি এত সুন্দর ওরা বলেছে মানে বোঝানো ভাষা বোঝানো যাচ্ছে না তো আমি অত বুঝিও না আর অত জানিও না তবুও বলতে বলেছো তাই আমি আমার মতন করে যেটুকুন বুঝেছি সেটুকুন বলার চেষ্টা করব তো মানুষ এই জগতে মানুষ নিয়ে এই জগৎ আর জাতি মানুষ নিয়ে জগৎ আর জাতি এর মধ্যে নারী আর পুরুষ এবার নারী আর পুরুষ
পুরুষের মিলনে সন্তান হয় এটা আমরা সবাই জানি। এবার যদি আমার একটা আমি একটা ছোট্ট ঘটনা আমার ছোটবেলাকার ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে, আমি সেটা বলছি। তো একদিন আমার বাবা ছোটবেলায় অফিস থেকে ফেরার সময়তে খুব সুন্দর একটা ভালো জাতের আম গাছ নিয়ে আসলেন বাবা। আম গাছটা নিয়ে আসলেন, এনে খুব যত্ন সহকারে তাকে পুঁতলেন, জল লাগালেন, আর খুব যত্ন সহকারে তাকে রোজ দিন তিলে 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 করে বড় করলেন। আমরা দেখতাম, পাশে গিয়ে দাঁড়াতাম, দেখতাম বাবা ওরম করে তার সেবা যত্ন করছেন। আস্তে 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 একটু বড় হলো যখন, একটা গাছকে ছোট গাছকে যখন বাঁচানোর জন্য ছাগল টাগল যদি না খেয়ে নেয় তার জন্য ঘেরা দিয়ে দেয়, তো বাবাকে দেখলাম ওরকম ঘেরাও দিয়ে দিলেন। বাবা এটা কি করছো? বাবা বললেন যে এটা ঘেরা দিয়ে দিলাম যে ছাগল টাগল এসে যাতে না মোড়ায়, না খেয়ে চলে যায়। ঠিক, গাছ বড় হলো আস্তে 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 আস্তে, যতদিন পর্যন্ত ফল না দিলেন ততদিন পর্যন্ত বাবা ওই গাছের সেবা করে গেলেন। হ্যাঁ, সে ফুল আসছে, আমের ফুল আসছে, মুকুল আসছে, পোকা যাতে না হয় সেজন্য ওষুধ দিলেন, এরকম করে করে সেবা করে করে একটা বড় গাছে যখন পরিণত হয়ে গেল, সে গাছটা একটা আম আসছে, ছোট ছোট হলো আম ছোট, তারপরে আস্তে আস্তে বড় হলো, পরিপক্ক হলো, সে আম এত ভালো হলো, বাবাকে দেখলাম যে সেই আমটি নিয়ে ঠাকুরকে গিয়ে ভোগ দিলেন। এবার ভোগ দিলেন, সেই সে রসালো, কি তার স্বাদ, কি মিষ্টি, কি রসালো মিষ্টি সে আম। সব জিনিসগুলো দেখলাম, লক্ষ্য করলাম, বাবাকে জিজ্ঞাসা, বাবা তুমি এত গাছের পিছনে এত কেন, তুমি সারাটা দিন ধরে সবসময় এত তুমি লেগে থাকো, এত গাছের জন্য করো? কারণ বাবা বললেন যে দেখো, কোনো ভালো ফল পেতে হলে তার পিছনে লেগে থেকে তাকে সেবা শুশ্রূষা করে করলে তবে গিয়ে ওরকম ভালো ফল পাওয়া যায়। তো এটা নিয়ে একটা কিরকম শিক্ষণীয় ব্যাপার হলো যে গাছটাকে আমরা এমনি করে সেবা করলাম, গাছের অত সুমিষ্ট ফল হলো। এবার অনেক গাছ আছে এরকম যে পোষণ পাচ্ছে না, সেবাও পাচ্ছে না, তার ফলটা কিরম হলো? একটা ঝিটকে মানে একটা ছোট আম হয়ে দাঁড়ালো, সেটা ঝড়ে পড়েও গেল হয়তো, আর কোনো স্বাদও নেই এরকম। তো তার মানে এটা দেখলে আমার অত বোঝার ক্ষমতা নেই, তবু আমি যেটুকু বুঝছি সেটুকু বুঝছি যে ওই গাছের যদি অত সেবা করার পর যদি অত সুমিষ্ট ফল হয়, তাহলে আমরা মা মেয়ের জাত, আমাদের পেটে সন্তান এবং আমাদের পেটেই ওই পুরুষোত্তম জন্মগ্রহণ করছেন, তাহলে আমরা যে 30,000 বললাম আমরা সব পারি। আমরা যে আটটা গুণ, যে ছটা গুণ যে আছে মেয়েদের যে বৈশিষ্ট্য, বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সে যদি তার ইষ্টানুক চলনে চরিত্রের কায় মনোবাক্যে সে স্বামীর সঙ্গে চলে আর থাকে, আর সে পুরুষও তাকে সেরকম হতে হবে, আদর্শ একনিষ্ঠ হয়ে সে আদর্শবান হয়ে চলা, এবার তাদের যে সন্তান হবে তারা অটোমেটিক্যালি সে সন্তান ভালো সন্তান হবে, একই মননে একই আদর্শে যদি চলে দুজনে স্বামী স্ত্রী। তো আমি তো এইটুকুন বুঝলাম। তারপরে এই কথায় আছে যে মেয়েরা ছোটবেলায় যেরকম বাবার কাছে লালিত, বাবা মায়ের আশ্রয় লালিত পালিত হয়, এবার লালিত পালিত হওয়ার পরে সে তখন বড় হয়ে শ্বশুরবাড়িতে যায়, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তার ওই যে গুণগুলো, সেই গুণগুলো দিয়ে যদি সে ওরকম ভাবে সেবা শুশ্রূষা খায়, ঠাকুর বলেন বিয়ের পর মেয়েদের হলো শ্বশুরবাড়িটা হলো একটা ইউনিভার্সিটি। ইউনিভার্সিটি কি, এই কড়ায় মানে এই এই সমস্ত মানুষকে নিয়ে, শ্বশুর শাশুড়ি যা জাওয়ালি দেও ননদ ভাসু, হ্যাঁ, চাকর বাকর পাড়া পড়শি এবং গাছপালা যত আছে, গরু বাছুর সকলকে নিয়ে থাকবে এবং করবে। আর সেটা কি একটা ইচ্ছে হচ্ছে না তবুও করছি, সেটা করাটা একটা আলাদা ফল, কিন্তু সে ফল ভালো হবে না। আর ভেতর থেকে যে ইচ্ছা, যে মা যেরকম বাচ্চাকে ভালোবাসে আদর করে, সাদা কষ্ট হলেও মা ঠিক সেই সন্তানের জন্য করবে, কিন্তু সেরকম হতে হবে। একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, যখন আমাদের শরীর খারাপ হয় বা অসুখ হয় আমাদের হসপিটালাইজ হতে হয়, তো একটা ভীষণ রকমের শরীর খারাপ হলো আমরা হসপিটালে থাকবো, এবার হসপিটালে গিয়ে মনে হয় না যে কতক্ষণে আমি তাড়াতাড়ি করে ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে যেন বাঁচি, এরকম মনে হয়। তো আমাদের ওই রকম ভেতরে মনটা যায় করা করতে হচ্ছে, হচ্ছে না তবুও করছি, ওই করা দিয়ে হবে না, করাটা আনন্দ পেতে হবে, আনন্দদায়ক ভাবে করা করতে হবে, সব কিছু মাথা পেতে নিতে হবে। হ্যাঁ, শ্বশুরবাড়িতে শ্বশুর শাশুড়ির বকাঝকাও থাকবে, হ্যাঁ, মাথা পেতে নিতে হবে, আশীর্বাদ হিসেবে নিতে হবে, সেটা দিয়ে ওই মেনে নিয়ে যে করাটা, সেই করাটাই সে আসল সুসন্তানের জন্মগ্রহণ করতে দিতে পারবে।
তারপরে আমাদের দেশ তো ভারতবর্ষে যেমন গৌরবান্বিত দেশ ছিল, তখন আগেকার দিনের মাতারা যারা ছিলেন, যে যদি পুরুষোত্তম জননী আর শ্রী পরমা তো আছেনই, মা সারদা তিনিও আছেন, তারপরেও এই যে বাকি যে মহিষী নারীরা ছিলেন, যে কি বলে সতী বেহুলা যদি বলি, সত্যবান সাবিত্রী, সত্যবান দময়ন্তী, এরা যারা ছিলেন বড় বড় মহিষী নারী, তারা কি, তারা তো এই নিজেদের ওই বৈশিষ্ট্য অনুরাগ গুণগুলো নিয়েই চলেছেন, সারা জীবন ওরম ভাবে চলেছেন, ওরম ভাবে সেবা করে গেছেন, তাই সুসন্তানের জন্ম লাভ করে ও দিয়েছেন। আর এখন তো ওই জিনিসটা অনেকটাই একেবারেই নেই, কমে গিয়েছে। তো শিক্ষায় ডিগ্রিধারী মানে ওটা ইউনিভার্সিটি, ঠাকুর বলছেন ওই শ্বশুর বাড়ির পড়াটায় যদি পাস করে যাও তাহলে তোমার আসল শিক্ষা, ওই তার সুসন্তানও ভালো হবে ওইটা করলে। আর এই বাইরের ইউনিভার্সিটির স্কুল কলেজের পাস, যে পাস সেটা দিয়ে সেটা সেটাও দরকার, সেটা করার পরেও নিজের ওই বৈশিষ্ট্য যে গুণগুলো সেইগুলো নিয়ে যদি সে ওটা করে তাহলে সেটা আরো বেশি ভালো হয় বলা হয়, কিন্তু সেটা হচ্ছে না। অথচ একটা শিক্ষিত ডিগ্রিধারী আছে, কাজ করছে, চাকরি করছে, তো যা চার যা ফল ফল হবার তাই হচ্ছে, সেটা আমরা এখন দেখতেই পাচ্ছি পুরো হাটে বাজারে সব জায়গাতে। সে মায়েদের মধ্যে না মার রকম আছে, না মেয়ের রকম আছে, তাদের কি বলে পুরুষালি রকম, তাদের আশা পোশাক আশাকও সেরকম, তো তাদের একটা ভেতরের সেই জিনিসটাই চলে গেছে, তো ওই ভালো জিনিসটা যে ওই বৈশিষ্ট্য গুণগুলো যেগুলো সেগুলো যত উলঙ্ঘন করবে, ওই উলঙ্ঘন করলে পরে সেগুলো সব আস্তে আস্তে নষ্ট হবে। তাই ঠাকুর বারবার বলছেন তোরা তো মায়ের জাত, তোদের কাছ থেকেই তো মানুষ শিখবে, তোদের কাছ থেকেই তো মানুষ আসবে, তোরা ওইগুলো ভালো করে কর আর ভালো করে চল, তাহলে তোদের দেখে দেখে তোদের সন্তান সন্ততিরাও করবে, আর সন্তান সন্ততিরাও হয়ে উঠবে, আর ধারাবাহিক ভাবে যাতে ওটা চলে সেটা তোরা কর, সেটা বজায় রাখ। তাই আমরা যদি একটা ফল যদি পেতে হলে, যদি একটা গাছকে অত ভালো করে আমরা যদি পোষণ দিতে পারি, তাহলে একটা বাচ্চার যদি সন্তান জন্মগ্রহণ আমরা যে মায়েরা মেয়েরা করে, তাহলে ভালো সন্তান পেতে হলে তাহলে যা যা করণীয় সেগুলো করার দরকার নয়, সেগুলো আমি আর এইটুকুনি আমার মতন করে বুঝেছি, আমি এইটুকুনি বললাম, আর কি বলবো। আর শ্রী ঠাকুর আর একটা কথা বলি, যে একদিন ঠাকুরের কাছে এসে একজন দাদা বলছেন যে বড় খোকার মা, তখন ঠাকুর বলছেন যে তার আগে কিছুদিন আগে ঠাকুরের মা গত হয়েছেন, তো বড় খোকার মা, বড় খোকার মা কেন, ও সবা ও সকলের মা, বড় খোকার মা তোরও মা আমারও মা সকলের মা, জগৎ জননী মা, তো এই আমরা মায়ের জাত, তো আমাদের এই রকম মা হতে হবে, শ্রী বড় মার মতন মা হতে হবে, আর ওটা যেন ধারাবাহিকটা বজায় রাখে, বজায় ওর তাহলে আমাদের ওরকম চলন চরিত্র করতে হবে, আর ওই পড়াটা দিলেই ওই ধারাবাহিকটা বজায় হয়ে আসবে। তো বাস আমি এইটুকুনি বলি, আর এরা যা বলে দিয়েছে এর থেকে বেশি আর কিছু বলা যায় না। জয় গুরু সকলকে আমার। জয় গুরু, সুন্দর ভাবে আমার পূজনীয় বৌদি আমার যে সব কথা কহিলে, বাস হৃদয় হৃদয় স্পর্শী কথা আমার, সেগুড়াক যদি আমি নিজ মানে আমি কোন করুছে জীবনটাকে যদি আমি লক্ষ্য করব, যে কোন পাই আসিছিল, কোন করুছু এবং যা করুছু ঠিক করছু না ভুল করুছু, তখন খালি নিজের জীবনকে যদি পর্যালোচনা করিবা, নিজের জীবনকে লক্ষ্য করিকে যদি আমি চালিবা, নিশ্চিত ভাবে আমি ভুল কোঠি জানিপারিবা এবং সুধারি নেওয়াকে চেষ্টা কলে প্রভু মধ্যে আমাকে সহায় হবে, কারণ সি হচ্ছেন পরম মঙ্গলময়, সে চাহান্তি প্রতিটি জীব কেমিতি ভালরে রহিব, সুস্থরে রহিব, আমি সুস্থ রহিলে সে প্রভু খুশি রহিবে, সেইথিপাইঁ কি সে আসছেন, তেমন তাঁর কামরে আমি হাত দেওয়া, মানে আমি নিজে ঠিক রহিবা, আমি সমস্ত ঠিক করিবা, এই তাড়ার রহিলে অন্যর মঙ্গল কামনা নিজ মঙ্গল প্রসূতি, যা বৌদি সুন্দর ভাবে আজির কথা রখিলে, তাঙ্কর সর্বাঙ্গীন অমঙ্গল এবং প্রভুঙ্কর তাঙ্কর আউ সে সুস্থরে রহন্তু, আমাকে আহুরি এমতি ভালো ভালো কথা শুনান্তু, মু প্রভুঙ্ক নিকটে প্রার্থনা করছি। জয় গুরু। বর্তমান আমার ঘরে সন্দীপা মা এক ভজন পরিবেশন করিব। সন্দীপা শুভুছি না, হ্যাঁ এরপরে তুমি কহিব, এরপরে সরজনী মা কহিবে।
संदीपा प्रणाम समस्त को जय गुरु जय मधुमय तुमे प्रेममय तुमे प्रणमय तुमे हे ठाकुर प्रभु प्रणमय तुमे हे ठाकुर मधुमय तुमे प्रेममय तुमे प्रणमय तुमे हे ठाकुर मधुर छंदे मधुकर शिला मधुर छंदे मधुकर शिला मधुमय कल ए संसार प्रभु मधुमय कल ए संसार मधुमय तुमे प्रेममय तुमे प्राणमय तुमे हे ठाकुर प्रभु प्राणमय तुमे हे ठाकुर प्राणर प्राण हे प्राणमय हरि मौला जीवने प्राण देल भरी प्राणर प्राण हे प्राणमय हरि मौला जीवने प्राण देल भरि प्राणर आकुले डाकि ओल्हाइला प्राणर आकुले डाकि ओल्हाइला आजि एहि धरा तले प्रभु आजि एहि धरा तले मधुमय तुमे प्रेममय तुमे प्राणमय तुमे हे ठाकुर प्रभु प्राणमय तुमे हे ठाकुर मंगलमय हे करुणा निदान कृपा करि देल दशम विधान मंगलमय हे करुणा निदान कृपा करि देल दशम विधान नयन निरारे रह देखाइल नयन निरारे राह देखाइल पापी तापी उद्धारिल प्रभु पापी तापी उद्धारिल मधुमय तुमे प्रेममय तुमे प्राणमय तुमे हे ठाकुर प्रभु प्राणमय तुमे हे ठाकुर मंगलमय हे करुणा निदान कृपा करि देल दशम विधान मंगलमय हे करुणा निदान कृपा करि देल दशम विधान नयन निरारे राह देखाइल नयन निरारे राह देखाइल पापी तापी उद्धारिल प्रभु पापी तापी उद्धारिल मधुमय तुमे प्रेममय तुमे प्राणमय तुमे हे ठाकुर प्रभु प्राणमय तुमे हे ठाकुर प्रभु प्राणमय तुमे हे ठाकुर जय गुरु जय गुरु। सुंदर भाव संदीपा एक प्राणमताणिया भजन बा तार हृदय आवेग प्रभु निकट रे रखिला मु तार आहुरी उन्नत से आहुरी आहुरी
प्रभुक दिगरे आगे जाऊ तार इष्टप्राणता अधिक अभाव आहुरी वर्धित हो प्रभु निकट प्रार्थना कर सर्वांगीन सुस्थता लगे प्रार्थना कर जय गुरु वर्तमान आमर सरोजिनी माँ से जो मन बोध चौतीसा पर्यंत कही पर कहे शुणा सरोजिनी माँ से कहले कहते से मन बोध चौतीस पाखर तो मन बुध चौथे दिन को मन बांधी छुआ कि घेनी जीव तर छुटिले घटरे छुटिले घट पुणी अच्छी गले तो संग जन गंठीरे बांधी नेले के केते धन रे के केते धन असल समय तो मृत्यु समय से ही क्षणिक समय रे मनुष्य जेपरी चिंताधारा बा भावना से ही टिको कहीं तार पूर्व जन्म पाई सहारा आउ साधारण तो समस्ते जानती मनुष्यर चीर लक्ष्य बा चीर गंतव्य पथ ईश्वर प्राप्ति मृत्यु समय केवल से ही परमेश्वर चिंतार ही ईश्वर प्राप्ति हुए से सारा जीवन तांकरी देवा धन संपत्ति मुक्ति माणिक स्वरूप तांकरी सतनाम तांकरी चिंता तांकरी भावना को गोटे गोटे भक्ति प्रेम सूताक्ष गुंथी हृदय माड़ी करवाक नन्म जन्मांतर यह चक्रव्यूह भेतर एमती फसी जावाक तार कूल किनारा मिलना तापरे आउ गोटे कथा आमे हेले नारी आमे जने जने जे नारी आमे सब प्रकृत किए आमर परिचय बा कौन आमे संसार को आसिलु केमिति ए संसार रो नियम कानून विषय रे जानिलु केमिति ए सब सहित आमको जे परिचित करैछंती सेही हेउछंती आमर ममतामयी प्रेममयी कल्याणमयी मंगलमयी गर्भधारिणी पूजनिया वंदनिया आमर अति आपणर अति निजर मा से ही प्रथम आमको आम बापा सहित तो परिचय करती बापा माँ शुभ पवित्र मिलन रु आम आसी विश्व ब्रह्मांडर समस्त किसी रूप रंग रस उपभोग कर चलु से ही ममतामयी गर्भधारिणी माँ ही आमर प्रथम आदर्श केवल जे जन्म देसी ता नुहे दस मास दस दिन गर्भरे धारण करी तार गर्भस्थ संतान सुरक्षित एवं कल्याण परमेश्वर ठारे प्रति मुहूर्त ध्यान रखी चले से ही दस मास के दुख जंत्रणा कष्ट सहिबाको पड़ी न थाए पुणी जन्म पर दिन दिन राति एक कर दिए शीत वर्षा गरम सबुदिन तार संतान को सुरक्षित रखे जड़ शीत छाती रे जाकी ताकु गरम कराए गरम हेले तार निज पणतकानी रे बिंची बिंची राति कटाए आउ असुस्थ हेले किंबा कांदी कांदी अझट कले केते नाना बाया गीत पुराण पुथिरु केते भजन गाई आकाशर जन्ममाम देखाई शांत कराए निजे न खाई पिलाकु खुआए निजे न सुई पिलाकु सुआए केते दियो देवादेवीक गप सुनाए एई तो मा ना तेणु तो कहंती जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाधोपि गरियसि बड़ माने कहंती जीवन रे सब ऋण सुझेब किंतु मातृ ऋण केहि सुझि पारिबे नाही से तो स्वर्ग ठारु उच्च सागर ठारु गभीर भूमि ठारु उदार से ही माँ ही आमर प्रथम गुरु प्रथम आदर्श माँटी मोर अति निजर तापरी किए हेबो आमको प्रथमे माँ ही कथा कहिबार ढंग शैली चालिबार शिष्टाचार श्रृंखला शिखाइ दिए तेणु आदर्श को विशेष ताहरी आदर्श को तेणु आदर्श को आम जीवन विशेषकर आम जो पाथेय कर सुंदर जीवन पाइच तार प्रधान उद्देश्य प्रधान लक्ष्य ताब के पौराणिक गल्प मध्यम तार पूजा मध्यम आमको शिखाई दिए ता चलनी मध्यम आठटी वैशिष्ट जथा निष्ठा धर्म शुश्रूषा सेवा साहय संरक्षण शिक्षा दे था धर्माचरण हूँ सार्थक मातृत्वर मेरुदंड धर्म को त्याग कर नारी के सुबोधगामी हो पार ना नारीर सहधर्मित्व सार्थकता निमंते श्री श्री ठाकुर स्पष्ट भाव कही इष्ट बा आदर्श बा गुरु ताहा ही बा से
ଯାହାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅନୁସରଣ କରି ମଣିଷ ଜୀବନ ଯଶ ଓ ବୃଦ୍ଧିରେ କ୍ରମୋନ୍ନତି ଲାଭ କରିପାରେ। ଆଉ ଆସକ୍ତି ବା ଭକ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ନିବଦ୍ଧ ଥିବାରୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଓ ଜଗତ ସେଥିରେ କୌଣସି ବିକ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରି ନପାରି ଜ୍ଞାନରେ ସମୃଦ୍ଧ କରି ତୋଳେ। ତେଣୁ ଆଦର୍ଶ ବା ଗୁରୁଙ୍କଠାରେ ଐକାନ୍ତିକତା ଜୀବନ ପକ୍ଷରେ ଏତେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ। ଅତଏବ ଧର୍ମ ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରୟୋଜନ ହିଁ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ, ଆଦର୍ଶ ବା ଗୁରୁ। ଆଉ ଧର୍ମଶିଳା ହେବାକୁ ହେଲେ ହିଁ ଦରକାର ତାଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ ଓ ଆଚରଣ। ସେ ଏପରି ଚରିତ୍ର ନେଇ ଜହିଁରେ ହିଁ ଭକ୍ତି ବା ଆସକ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଓ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଏଭଳି ପ୍ରେରଣାର ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଓ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଆଉ ଏପରି ହେଲେ ଯାଇ ତୁମର ଦିଦି ଶୁଭୁଛି ନା? ଦିଦି ଶୁଭୁଛି? ହଁ ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି। ଏପରି ହେଲେ ଯାଇ ତୁମର ସହଧର୍ମିତ୍ୱ ସାର୍ଥକ ହେବ, ଦେଖିବ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ଓ ଉଜ୍ଜଳ କରି ତୋଳିବ। ସତ୍ୟାନୁସରଣେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ଉଦାର ହୁଏ ସେତେ ହିଁ ଭଲ। କାରଣ ଯେତେ ଉଚ୍ଚତା ବା ଉଦାରତାର ଆଶ୍ରୟ ନେବ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ଉଦାର ହେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଲତାର ସ୍ୱଭାବ ଅବଲମ୍ବନ କର, ଆଉ ଆଦର୍ଶ ରୂପ ବୃକ୍ଷକୁ ଯୋଡ଼ାଇ ଧର, ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ। ମାତା କୁନ୍ତି ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଶୀଳା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରତିଟି ଦୁଃଖ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସହି ନେଇ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ମାତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଥଗାମୀ କରିଛନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ସତୀତ୍ୱ ବଜାୟ ନ ରଖି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସତୀତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖି ହୁଏ ଏବଂ ଜଗତରେ ମହାସତୀର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସତା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ବଂଶମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଇଚ୍ଛା, ଆକାଂକ୍ଷା, ମନୋବାସନା ପୂରଣ ପାଇଁ, ଖୁସି ପାଇଁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ କଠୋର କୁଚ୍ଛ ସାଧନା କରିଥାଏ। ପ୍ରୟୋଜନରେ କାୟିକ ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିଚାଲେ, ତପସ୍ୟା କରିଚାଲେ। ଏସବୁ ତାର ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତୀତ୍ୱର ପରିଚୟ। ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତୀତ୍ୱର ଏ ବିଷୟରେ ଉଜ୍ଜଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଜୀବନ ସାରା ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ପରିଶେଷରେ ସେହି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ ଲୀନ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାଳିପତ୍ନୀ ତାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିବାହ ହୋଇ ସୁଗ୍ରୀବର ଘରଣୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତୀତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିପାରିଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ବା ସେହି ଆଦର୍ଶଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗତା କରନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ବ୍ରହ୍ମବିତ ହୋଇ ଗଢ଼ି ଉଠନ୍ତି। ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ଦୂର କରିଦେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ବା ସେହି ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣରେ ସଚେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହିଭାବେ ପଞ୍ଚସତୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତୀତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଇ କାୟିକ ସତୀତ୍ୱ କେତେ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଅନେକ ବିଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସତୀତ୍ୱ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତୀତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖି ମହାସତୀତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣରେ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ଇଚ୍ଛା ଧରେ ପ୍ରେମ ନାମ। ଦ୍ରୌପଦୀ ତ ଛୋଟବେଳୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ସଖା, ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା, ବୋଧରେ ଆଣିବା, ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନରେ ସଚେଷ୍ଟ ହେବା, ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ହେବା, ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ମହାସତୀତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ସତୀ ଅହଲ୍ୟା ବିନା ଅପରାଧରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସନ୍ଦେହ କ୍ରୋଧର ଅଭିଶାପରେ ପଥର ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ସତୀତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ଥିବାରୁ ଯୋଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ମା ମୀରାବାଈ ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗତକୁ କୃଷ୍ଣମୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥାନ୍ତି, ଏ ସାରା ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ନାରୀ, କେବଳ ଜଣେ ପୁରୁଷ, ସେ ହିଁ ହେଲେ ଗିରିଧର ଗୋପାଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ସାରା ଜୀବନ ସେହି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରି କରି ଶେଷରେ ତାଙ୍କରି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲୀନ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମାତା ଶବରୀ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟି ଦିନୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥାରେ ସେହି ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆସିବା ବାଟକୁ ଅନାଇ ଅନାଇ ଶେଷରେ ସେ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସାଧନାରେ ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ପରମ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସାଧନା ଫଳରେ ଗୋପ ତରୁଣୀମାନେ ଯେମିତି ନଦ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ସାଗରରେ ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଠିକ ସେହିଭଳି ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ
कृष्णों ठारे निजकु समर्पण करी निज निजर अस्तित्व भूलिगरे शेषे से माने परम प्राप्ति पाई महिषी नारी मान कथा पुराण पुथिरु ए जुगरे शुणीछु बा जानीछु ए जुगरे वास्तव में माता कृपामयी माता कृष्ण सुंदरी माता मनमोहिनी देवी इष्ट एवं आदर्श प्राणता किसी कम नुहे माता कृपामयी थिले अत्यंत सरला परम भक्तिमती से हरिबोल हरिबोल ही सब कार्य सब अवस्था जपी चलु था जग यज्ञादि से विशेष किसी बुझुन बुझुले केवल हरिनाम जुग था भगवान श्रीपाद पद्म आत्मसमर्पण जुग दिने कूर पा काढ़ देखती दौड़ी ना पा काढ़े किपरी पाखे जड़े स्त्रीलोक थट्टाकोरी कहला यही पाखे कदमी गच अच्छी गचर बासुंगा कौन से बांधि पा काढ़ तुमर तो हरी अच्छा पुणी भावना कौन सरल प्राण माता कृपामयी सहज विश्वास ताहाई हरिबोल कही पा उपरको उठाइले आनंद हरी की प्रणाम कर कलसी धरी हरिबोल कही घर को फेरिले धन्य माता तुम्हें आउ धन्य तुम प्रभु प्रति अटल विश्वास यहाँ ठीक से जहाँ मन जेड़े तहार प्रभु सेड़े आउ दिने माता कृपामयी बैगण क्षेत को बैगण तोलवा जा कूल भितर पड़गले से कहले हाय हरि तुम्हें शेषे कूल भितर मो अपमृत्यु घटाइल यही तुम इच्छा तुम जहा इच्छा किसी समय पर कूमूल छिड़ा हबार देखी लोके पचार से कहले हरि मते कूह भितर पकईदे आंदवर गोटे बड़ घास बुड़ाईदे मुझे थरी उठी आसली समस्ते आश्चर्य बुझे विधवा ठाकुरानी माँ हृदय विश्वास केते दृढ़ मनोबल किपरी आ भक्ति केते गभीर से सबुदिन राधा मोहन मोहन विग्रह रखी पूजा करता से परम भक्तिमती माता कन्या कृष्ण सुंदरी 12 वर्ष बयस बहुत हुए माता कृष्ण सुंदरी गर्भजात कन्या हेले माता मनमोहिनी देवी आईं भक्ति प्राणता प्रभाव से मध्य भक्ति प्राण उठिले 8 वर्ष बयस विख्यात ज्योतिष गणना करी कहले एही कन्या को बहु बड़ लोक पूजा करिवे किंतु स्वामी खूब धनवान हेबे नहीं माता मनमोहिनी देवी 9 वर्ष बयस पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती 24 वर्ष बयस विवाह होइथला इष्ट प्राणतार खुशी हुई ग्रामर जने विख्यात पंडित को डकाई शिव मंत्र जपिया कही किंतु से राधा राधा नाम कृष्ण नाम नथिला जुगो से राजी हेले ना बापा को ओली करी कहले मते राधा नाम कृष्ण नाम थिबा मंत्र दियंतु तापरे सही पंडित तांको कहिछंति ए मंत्र मनीष पाखर मिले ना ताहा राधा कृष्ण को निकट कांदिले से स्वप्न रे मंत्र दियंती दिने से रात कांदी कांदी ठाकुर को सब जनाए सुई माता मनमोहिनी स्वप्न रे देखिले जणे अति सोठाम सुंदर उज्जवल पुरुष मूर्ति मुहरे तांकर पाचिला निशदाढ़ी मुंडरे टोपी से ही व्यक्ति पचारिले मनु मंत्र नेबु ए कहले हूँ तापरे से मंत्र जे से जो राधाकृष्ण को तांको जीवन रे आदर्श रूपे मानी आत्मसमर्पण करिथिले दिन आसिला से ही पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंदमय आदर्श को ही से गर्भरे धारण करथिले एहा थारो बळी सौभाग्य जणी नारी पाखरे आ कोन थाई पारे जय गुरु मु एतिके होई रखछि जय गुरु जय गुरु जय गुरु दीदी सुंदर भाव आलोचना करुले से तो सारी पारे आहरी से प्राय लिखी समय भाव से कहीकि रखीदे तथापि जी से कहले सुंदर भाव जीवनी एवं गोटे गर्भधारिणी माँ तार कर्तव्य विभिन्न समन्वय विभिन्न समन्वय कर सब कह सुंदर भाव आलोचना रखी सर्वांगीन मंगल कामना रखु प्रभु पाद पद्म गणरे अच्छा जस्ना मा और जस्ना मा नहीं
सायंतनी मा ना कि अच्छा आनेक बोधे कहार बर्तमान आउ तो समय शेष है पी मु भाव ये बहुत सुंदर टॉपिक टे आम पूजन बोधी आम दादा को पचारिक रखी थे तेना यही टॉपिक पुणी गत थर को भी आलोचना हम आज जो माँ मान भी अच्छा से मैंने कहे जस्ना कह जस्ना माँ को अनुरोध कर जस्ना माँ कहे जस्ना माँ अनम्यूट अनम्यूट कर अनम्यूट काटिकी आउ थे जॉइन कर भजन दे दे शांतनी आउ थे काटिकी जॉइन कर माँ कहे समय गोटे छोट भजन टेमर सीमा गाइब छोट भजन टे सीमा छोट भजन टे गई दे शुभु ना बाहर को जाए कह गाय तो गाओ शुभु ना बाहर को बाहर को बाहर को चल जाओ बाहर को चल जाओ हो नहीं चल हो नहीं शुभु ना कल की कह कल की गाइब आश्न मा जश्न मा केम श्री गुरु श्री ठाकुर श्री चरण मोर कोटी कोटी प्रणाम पूजनीय बौद्धी को मोर प्रणाम एवं उपस्थित समस्त गुरु गुरु भ्राता भणी मान को शैल बाबू को मोर प्रणाम जय गुरु आज विषय वस्तु है तो नारी रो आदर्श तेणु एवं जानवर अच्छे नारी रो आदर्श कौन आदर्श साधारण तो आमे मैंने जो मैंने बुझु जो मैंने पति पति प्राण हेतांति सती हेतांति किंबा ठाकुर देवता भक्ति करतांति समस्त प्रति मान भल व्यवहार करती आम यही सब कुछ देखिले आम समस्त कहू आदर्श बहु आदर्श माँ आदर्श नारी एटा साधारण आम मान चिंताधारा मध्य थाए तेनाली प्रसंग कहवाक चाहे आदर्श नारी कह एक मात्र आम जाना दरकार जे पुरुष हो कि नारी हो समस्त मुंड सद्गुरु रहा दरकार सदीक्षार दीक्षा ग्रहण करी सद्गुरु ग्रहण करी आम इष्ट प्राण हो उठले आस्ते आस्ते आम वृत्ति प्रवृत्ति को जय करी आम आदर्श नारी बा आदर्श पुरुष रे परिणत हो पार ए छाड़ा मथारे तो आदर्श रही निश्चय आदर्श को सह जदि जने स्त्रीलोक स्वामी भक्त हुए एवं स्वामी मनोवृत्ति अनुसरणकारी हुए एवं समस्त प्रति सम दृष्टि संपन्न हुए दूस दृष्टि संपन्न न हुए मान एम जो गुडाक साधारण तो आम भल गुण बोली धरू से सब गुणपण जदि कौन स्त्रीलोक भितरे थाए जमी सदाचार पालन करवा परिष्कार परिच्छन्न रहिबा इष्ट प्राण हेबा समस्त सहित सुंदर व्यवहार करिबा परिवार परिजन पारिपार्श्विक को
सेवा प्रदान करिबा इत्यादि जदि आम भितरे विद्यमान करे तेबे ही आमे जने आदर्श नारी हेइ परिबु एवं नारीर सेटाई हेबो वास्तव आदर्श तेणु एही क्षेत्र रे आमर जानिबा कथा जे आम जो नारी मानकर ठाकुर कहउचन्ती जे पुरुष एवं नारी केही काटारु छोट नुहे कि केही काटारु बड़ नुहे जे जार निज वैशिष्ट्य अनुजाई जे जार क्षेत्र रे से बड़ तेणु प्रथम कथा हला आम मानकर जो शिक्षा छोट बेलुठु आम मानकर शिक्षा वैशिष्ट्यानुपातिक हवा दरकार तेबे से वैशिष्ट्यानुपातिक शिक्षा माने कौन ना आमर जो स्त्री लोक मानकर आठ टी वैशिष्ट्य अछि निष्ठा धर्म शुश्रूषा सेवा साहाज्य संरक्षण प्रेरणा ओ प्रजनन ए जो आठ टी वैशिष्ट्य अछि ए आठ टी वैशिष्ट्य परिपालन रे मध्य भितरे प्रत्येकटा काम रे जदि आमर आदर्श फुटी की बाहर जेनो सत्यानुसरण रे अछि जे डालिम पाकिले फाटी जाए ताकु फटेबा दरकार पड़ेनि से ऑटोमेटिकली फाटी जीवो जतरे पाकी जीवो डालिमटा सेति पई कि आमो भितरे जदि सरक सद्भाव बा आदर्श भाव जदि भी आमो भितरे थिबो ताले से ताकु कहिबा दरकार नै से ऑटोमेटिकली जणा पड़िबो जेरकम जेरकम फूलडा फुटिने ता गंध चारि चारियाडकु छोडै जाय चारियाडकु प्रसारित होइ जाय सिमिति आमो भितरे जदि सद्भाव बा आदर्श भाव जदि आमो चरित्र रे फुटिबो ताले आमको मुहर कहिबा दरकार नै आमको देखि कि लुक सेटा बुझी परिबे एवं सेति पई कि हमरो मु एही प्रसंग रे जो सुश्रुषा कथाटा ठाकुर जो आठटा वैशिष्ट्य ठाकुर कहले निष्ठा माने कोन ना निश्चित भाव रे लागि रहिबा का सहित लागि रहिबा ना आमर जोटा कर्म अछि आमर जोटा काम अछि आमे आमो जे काम कोनोसी काम छोट नुए कि कोनोसी काम बड़ नुए आजि काली बहु नारी को युगोपयोगी बाहर काम करिया को भी पड़े किंतु बाहर तुम्हें जेते जहां करो तुमर घरटा जदि ठीक न हबो ताले तुमे बाहरु जेते रोजगार करी कि भी आनो ताले तुम घरर केबे भी स्वच्छलता आसीबोनी जो लक्ष्मी कथाटा अछि लक्ष्मी आमे कहू जे लक्ष्मी को अन्न नाम होची चंचला तेनु आमर से लक्ष्मी गुणपुना गुडा रहिबा दरकार हम भितरे लक्ष्मी को भितरे लक्ष्मी माने होचन्ति श्री सुंदर आमर प्रत्येकटा कार्यक्रम आमर सुंदर हबो सुचारु रूपे हबो देखि कि लोक चाहि रहिबे दि घडी जे माने एटाई होची आमर वास्तव आदर्श आमो काम प्रत्येक कर्म भितरे सुंदर फुटिक बाहरिबो से जो माता मनमोहिनी देवी जीवनी कथा अनेक भी कही आमर पुरुषोत्तम घरणी श्री श्री बड़मा विषय भी अनेक कही जो सांसारिक कार्यकलाप से मैंने किभली भाव सतान सतति अनेक भावती हाँ घरे कौन कम किंतु जी जिते भी चाकरी करने जाऊ जी जहा करू तार गोटे निर्दिष्ट टाइम निर्दिष्ट कर एवं सप्ताह रे मास रे छुट्टी थाए किंतु फुल टाइम वर्कर माने 24 घंटा केवल जने स्त्री लोक ही काम करि पारे तरे से काम करिया को गले से आनंद मन रे करिया दरकार बाध्य बाधकता रे नुए ठाकुर सतान सर कहउचंती जदी कोनोसी काम तुमे विलक्त होई कि करि कि करिया को जीवो ताले तुमर से कामटा के भी सक्सेसफुल होबनी तेनु जे कोनोसी काम करिबा आमे सेइटा को हमरो माने मन लगे कि मनरु इच्छा प्रकाश करिकि करिया दरकार कोनोसी काम रे ना कहिबानी एवं जेतेडा संभव सर्ज्य धर्ज्य नेकि करिबा ता एवं सेई को आम करिबाटा एमिति होबा दरकार जेमन आमर आदर्श को आम परिवार से प्रतिष्ठा करे तन ठाकुर कहचंती आगे व्यक्ति तापर दंपति तापर गृह तापर समाज तेनु आगे होचि दंपति अर्थात प्रथमे निज को ठीक हबाक पड़िबो निजे ठीक हेले आमो देखा देखि आमे आमर परिवार ठीक हबो आम परिवार ठीक है परिवार को नहीं तो समाज ताले आमर जो साई पड़ीसा ठीक है आम साई पड़ीसा ठीक है आम समाज ठीक हम से ठाकुर कहते प्रथम निज को समीक्षा करने को पड़ो कि आम कौन करू ना निजर दोषा को कम देखिकी किए किस कलानी किए किस कर उचित आम अन्नर कथा बेस मथा खटू तेनालीटा आम कर दरकार नहीं हूँ निष्ठा मान लग रहा जे कम आम करू से घर कम हो चाकरी क्षेत्र में हो चाषवास करवा हो ठाकुर सेवा जत्न हो जेकोसी काम आम कर मन देखा निष्ठा तापर धर्म धर्म मान साधारण तो जो समस्ते जानती ख्रीस्टियान धर्म मुसलमान धर्म हिंदू धर्म वास्तव में एगुडा तो धर्म नुहे गोटे गोटे मतवाद धर्म मान ठाकुर तार व्याख्या पूरा बदली दे ठाकुर जलर धर्म से तौक गड़ी जीव नि धर्म से पुड़ी दबो प्रत्येक जिनस गोटे धर्म थाए
तेणु ठाकुर कहते जे धर्म मान हूँ बंचा बढ़िया मान जहाद्वारा आम बिंग एंड बिकमिंग सुप्रतिष्ठित हुए आम बंचा बढ़िया खाली ए गोरुछा मान जो पशुपक्षी बचार मान ना आम बंचा टाइम हम जिमी सी अन्न उदाहरण उठे से हम आम आदर्श जीवन आदर्श नारीत्व तेणु जमी आम बहु महिला महिला विषय में पढ़ू जमी कह चाहिए धर्म तापर हूँ किस शुश्रूषा एवं सेवा शुश्रूषा मान कौन किए कह आगुरी तुम्हें जड़े जनकर जल खाइवा मान शुष लगी सी जल गिलास मागिया पूर्व तुम जी जा गिलास जल धरई दि तेज सी जो आत्मतृप्ति लाभ कर सी जो मागिक खाई था से आत्मतृप्ति आसबनी ये जो बुझी बुझी मन बुझी जो सेवा करिया कथा थे एमती ठाकुर शीत दिन दाढ़ी काटे गरम जल रोजन अच्छी देवघर तो बहुत शीत तेणु हटात कालीष्ठी माँ गोटे बाटी गरम जल नहीं आईले ठाकुर से देखिक बहुत खुशी कहते शुश्रूषा मनोभाव रही दरकार यहाँ को कहा जाए शुश्रूषा मान हूँ अनुसंधित सुसेवा अनुसंधान खोजिक आम सेवा कर दरकार कि प्रयोजन यहाँ बुझी कर प्रत्येक पर से ठाकुर कहते जो छुआ टा को मनुष्य करते हैं छुआ छुआ तो कही पारे कथा कही पारे छुआ जो छोट थाए कि तार से ताकू पालन पोषण करने जो दरकार अबूत बालक तार मन कथा माँ कमी बुझी पार जदि सी तार स्वामी संसार रार परिवार परिजन तार भाई मान नणद देवर जेड़सुर शशुर शाशु समस्त मन बुझी जदि से सेवा दे पार ताले से तार संतान को ठीक ठीक भाव सेवा प्रदान करसंधित सेवा यही अनुसंधित सेवा प्रसंग में मुझे मयूसी महिला विषय कह चाहिए सी हूँ शरतचंद्र चट्टोपाध्याय साहित्य आम बंगला साहित्य रे सुनामधन्य साहित्यिकपा मुतिलाल सी मानने अन्न धरण रे मनीष थे संसार धर्म सी से संसारी न सब बड़े साहित्य मनोजुगी मान ये अनुरागी थी सी सब साहित्य आलोचना नहीं कि साहित्य भितर डुबिक रोता संसार किमी चल कौन कर सब विषय कौन सी मान चिंता भावना न था स्त्री भुवन मोहिनी देवी सी बहुत बड़ घर रिओ सी आसते कौन सी दिन एत बड़ घर रिओ बहुत अभाव अनाटन दुख कि दिन सी स्वामी सहित झगड़ा करना जे घर एटा ना से पार न तुम अकर्मण तुम्हें किसी पार न तुम तुम बाहर उचित ना छुआ जन्म करा उचित ना साधारण तो यही भाव में स्वामी स्त्री झगड़ा करती घरे जहाद्वारा कौन हुए ये स्वामी स्त्री रही खराब आचरण देखिए ठाकुर कहते स्वामी स्त्री झगड़ा कै पा पिला पिली देखे नरकर सदर द्वारे पिला गुड़ी रखे ताद्वारा कौन हुए ना बाप माँ दिज प्रति जो श्रद्धा भक्ति नष्ट हो जाए पिला मान तेणु सी घर अशांति परिवेश ठारु रक्षा पाइबा को जाकि सी कौन कैसे झील पुओ दिज कौन कहते जदि मिछरे भी कई भल पाइबा देखाए से सत भल पाइबा कि मान हईराण हो जाती मान मिछ भल पाइबा भितर पशिकी निज जीवन टाक नष्ट कर पकाती ये तेणु से माँ का कथा मुझे कहती सी कौन कले के कि मान कौन दिन तक स्वामी को सी मान ये करना उल्टी सी तक मन बुझी सेवा दौरान थे एमती घटना घटी सी बसिक बहुत मग्न होते पढ़ुं स्त्री पाखर जो तामा कहती बंगाली मान जो आम जो आगुरी खाऊ गड़गड़ार ये करा नहीं ठिया कि समय पर बही उपर मुह टेक देखिले स्त्री पाखर गड़गड़ार नल नहीं ठिया तेणु से देख से पचार तुम कि बुझले आमर एक तामाक खबर इच्छा हो मान ये कौन से दिन सेवा जत्न कौन दिन से कौन रकम त्रुटि रखी ना यहाँ हूँ अनुसंधित सेवा ये स्वामी इच्छा हूँ तमक खाई सी नहीं पहुंचीचन कि कौन से विरोध ना स्वामी किसी रोजगार कैनि आहरी तमाक खाइबा अभ्यास यही रकम अनुभव भितर ना तेरे यहाँ हूँ आदर्श नारी उदाहरण यही रकम आमर आम माता मनमोहिनी देवी तो अजस्र घटना रही स्वामी जिते असुस्थ कौन से दिन सी स्वामी को अवहेला करना उल्टी की स्वामी इच्छा पूरण करने कि सी सब तत्पर रोते के मानने थे एमती पिता शिव चंद्र चक्रवर्ती मुग डाली खेचिड़ी खाया चाहते तेणु खूब खुशी है कि साधारण तो
जो महिला माने व्रत फ्रत कले जमी ठाकुर भोग राग जे परिवेषण करती शुद्धाचार है कि सी स्वामी को से देवता ज्ञान सेवा करुले तेणु सीए गाधोई पाधोई आसिकी सुंदर की खेचरी फेचरी रांधिकी रखी स्वामी को आसिले खाई दे किंतु हटात कौन से एक दुष्ट लोक से अन्य काम जाइले बेले घर ढुकी सब खेचड़ी खाई खाली कर दे पड़े स्वामी खाइबा को बस पतर रे देख ला बेलू खाद्य ना से बहुत कष्ट पाइले सांगे सांगे रुटी और अन्न तरकारी करी खाई देले मानते मानते जो कष्ट अनुभव करवा मो स्वामी कष्ट मोर भी कष्ट हम मान मो दे मो गुड़ रिंती कटा फुंकी गला तेणु से मुझे निजे कष्ट अनुभव करे तेणु स्वामी हूँ अस्तित्व स्व अमीन स्वामी तेणु स्वामी जदि अस्तित्व हम तेणु सुख दुख हूँ आम सुख दुख जो बहुत मंत्री भी कहे तुम हृदय मो हृदय हो तेणु ये एकात्म बोध से जो सहधर्मिणी कह जाए तेणु एटा ही हूँ घटना तेणु समस्त आम मातृसमण कर एकमात्र उद्देश्य जदि आम समस्ते ठाकुर प्रदर्शित पथरे परिचालित होकर निर्देश अनुजाई आम जदि स्वामी भक्ति करे स्वामी जमती अच्छी कथा आम समस्ते जाचु जड़े ऋषि सी आसिले आसिक भिक्षा मगुच्च देरी कले टे जाते आगु गोटे काक पायखाना कर देता बोले से काकटा को भस्म कर दे कि सी से स्वामी सेवार व्यस्त थे भिक्षा ना देरी करेणु सी बहुत रागि जाइंट तेणु ये देख एक सती नारी रेत पावर केते शक्ति यही हूँ आदर्श नारी उदाहरण आज जे आम सावित्री आम दमयंती बेहुला एम कथा कहू कौन कारण से नारी जाति जड़े जड़े आदर्श से आम समस्ते मातृश्रम कर एकमात्र उद्देश्य जे आम आम जीवन भितर जो वृत्तिगत जो दूष त्रुटि दुर्बलता रही समस्त अच्छी कह रहा कहीं कर भगवान छाड़ा समस्त होती इम्परफेक्ट तेणु से जिनस गुडा को एका दिन केवनी आस्ते आस्ते जदि आम पर ठाकुर जमी चाहती ठाकुर उठवा आम ठाकुर आमर नुहे आम ठाकुर भाया उठवा ठाकुर मान जिते ठाकुर खुशी हे आम पारिपार्श्विक खुशी हम आम पर खुशी हम आम स्वामी आम संतुष्ट हे से कम कर्म जदि आम करे आम नारी मान आदर्श नारी हबार ये सार्थक हम जय गुरु सुंदर भाव माँ जस्ना आज बक्तव्य रखिले बर्तमान टाइम बाहरी गोटे दिटा मिनिट भितर आज शेष करदेवि परम प्रेम श्री ठाकुर तुल चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम श्री अनुकूल चंद्र चर्जाश्रम अध्यक्ष महोदय तथा ठाकुर परिवार समस्त सदस्य मोर प्रणाम तथा ऋतिक मंडली एवं माँ मैंने गुरु भ्राता छोट छोट पिला मैंने समस्त को मोर आंतरिक जय गुरु आज जो टॉपिक टा थिला नारी रा आदर्श वास्तविक नारी मैंने हुचे जे धारण करे एवं पुष्ट कराए तेणु नारी को मध्य माटी सहित तुलना कराई कारण कौन सी बीज माटी बिना माटी पुतिले से तार धारण कर पोषण दब पुष्टि पुष्ट कर मटीर वैशिष्ट धारण करवा पोषण दवा इवल्व करवा से भाव नारी रोटी वैशिष्ट अच्छी से वैशिष्ट को मटी सहित तो नारी को तुलना कर नारी वैशिष्ट सम्बन्ध में रचना आलोचना कले और समय अभाव सब गुडाक सर ना गत थर को विशेषकर रही प्रजनन विषय जेटा से विषय पुंगानुपुख भाव गत थर को आलोचना हे तबे गोटे कथा हूँ देन पुरुष तार से स्वाधीन माने से जमीती तार से गॉड सेंट्रिक हम नारी सेमती तार स्वामी सेंट्रिक हजबैंड सेंट्रिक से हम तेणु पुरुष स्वाधीन भगवान को लेकिन नारी स्वाधीन तार स्वामी स्वामी को लेकिन तेणु स्वामी पाखर तार एक निष्ठता जदि रही था जहाँ से हूँ प्रकृत धार्मिक एवं स्वामी तुष्टि पुष्टि तुप्ति स्वास्थ्य आयु निर्भर करे सही धर्म फल उपरे सही धर्म बल से उन्नति मुखर संतान संतति लाभ करे तेणु झील मान सतीत्व उपरे जोर दिखाई गोटे दीक्षा नाला गोटे पुरुष से तार समस्त परिचय
पछकु पक दे गुरु परिचय मान से परिचित हुए सेमती भाव बह नारी बह तार निज झीटी निज कूल समस्त परिचय पछक पकई दे कि स्वामी परिचय परिचिता हुए एवं स्वामी जेहेतु से स्वामी को केन्द्र कर स्वामी तार परिवार तार बाबा माँ तार स्वामी जहाँ को भल पाती से निजर करने बाध्य हुए जदि से परिवार स्वार्थ स्वार्थान्वित हुए यही उत्कर्ष पथरे चलने कौन हम तो उत्कृष्ट को मान ग्रह धारण कर क्षमता ताकि बढ़ कहते जदिबा गति और परिणति क्रमजम उपर निर्भर कै तथापि यही अस्थि वृद्धि पोषण युक्त चिंता द्वारा जहाँ द्वारा ये धर्म निष्ठा कथा कहला यही सब आठटी वैशिष्ट जी से मानिकी चले अस्थि वृद्धि पोषण युक्त चिंता द्वारा तार बायोलॉजिकल एसेटा चेंज हुए बेटर प्रजनन पाई तेणु जदि सी प्रकृत जड़े भल माँ हो पारा तेल से प्रकृत तार नारी तो सी सार्थक है से धारण करने पालन करने पोषण दवा सब तार सार्थक हम सब कथा पुंगानुपुख गत थर को आलोचना हम ये मोर वक्त रखुच्छी मोर भूल थी क्षमा देवे आर सर्वे आमर आज आम जो विश्व जो आतंक आसी जो महामारी से जे जोठी भाव में आत्मीय स्वजन बंधु बांधव जी आम समस्त समस्त मंगल कामना प्रभु पाद पद रखुची प्रति प्रत्येक सुस्थ रहंतु प्रति प्रत्येक प्रभु विधान को मानि चलतु तेणु मु शेषे ये कहि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् जय गुरु वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्र जी की परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्र जी की वंदे आर्य पितृन वंदे मातृवर्गान वंदे अहं कृष्टि दैवतान परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्र जी की वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् समस्त को प्रणाम बहुत ही प्रणाम जय गुरु।